यकीनी बात है कि जब वो 70 की मजदूर तहरीक में थे तो उससे 72 की जो मजदूर तहरीक में थे, 72 की जो मजदूर तहरीक में थे उससे कबल जो पाकिस्तान में मजदूर तहरीकें चली हैं उनके बारे में भी वो यकीनन एक इल्म रखते होंगे और एक अपना अपने अपनी राय रखते होंगे। उस तहरीक के बाद जो कुछ भी गुजरा है वो भी उनके लिए बहुत अहम है और उनकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं कि वो किन मराइल से गुजरे हैं। आज मजदूर तहरीक किस जगह पर है, यकीनी बात है कि हमारे जो दोस्त हैं यहाँ नए और पुराना वो उस पर भी थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज का फोकस जो है वो उस्मान की और फैजुल्ला की यहाँ मौजूद की जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। इसका तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये राज हासिल है कि हमने जो है वो यहाँ पर फैज को और उस्मान को हम बुला सके और उनकी बात हम सुन सकें। मोटी मोटी बात ये है कि उस्मान बलोच जो है वो रास्ता भूल गए, किसी के साथ थे नहीं वो और यहाँ आस पास में घूम घूम के वापस घर चले गए और सब गुस्से में है कि वो पहुँचे क्यों नहीं। अब उन्होंने एक ऊबर का बंदोबस्त किया है और वो यहाँ पर आने की मतलब राह में है। तो उस वक्त तक हम मेरा ख्याल ये है कि हम अपनी कार्रवाई को शुरू करें, दोस्त आपस में बात करें, कल जिला मौजूद है ये बहुत अहम बात है हमारे लिए, उस्मान आ जाएंगे तो फिर हम मैं जिला से कहूँगा कि जिला प्लीज़ आप इसको मॉडरेट कर रहे हैं, आप आइए और बात को शुरू कीजिए। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। भारत की सर कई साहब ने बताया है कि स्मार्ट लोग की वजह से हूँ। ये आज का प्रोग्राम जो है जैसे कि 19 तारीख को जब आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो है ग्रामर साहब का प्रोग्राम था तो उसके अंदर जो है वो बाबा खान और फैजुल्ला जो है वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी कलीग साहब से डिस्कशन हुई थी कि साहब विशेष तरह के क्योंकि जाहिर है ये अहम तहरीक का हिस्सा रहे हैं और हम चंद प्रोग्राम में ऐसे शामिल हैं जो सब शामिल थे, तो इस हवाले से जो है वो बाबा खान साहब से बातचीत करने का 27 तारीख को वापस चला जाऊँगा, तो उस हवाले से भी जो जो फैजुल्ला साहब से उस्मान मलोच साहब का प्रोग्राम तय हुआ, तो बेसिकली मैंने दो हमारे जो मजिस जो गेस्ट हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जाहिर है उस्मान साहब से अभी पहुँचे जब तक हम जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। जिस तरह की बताया है मेरे सामने कि ये 1972 की जो लेबर मूवमेंट है उसके हवाले से जो है वो फैजुल्ला साहब का जो किरदार है या तो बाकी जो हमारे साथी हैं जिसमें सीमा जी भी हैं बाकी दोस्त हैं जो जाहिर है वो, लेकिन ये है कि 1972 की जो मूवमेंट है अगर थोड़ा सा इसके पस मंजर में हम देखें तो ये मूवमेंट जो है इससे पहले देखते हैं कि 63 की मूवमेंट थी, फिर 68-69 की जो मूवमेंट थी जो अयूब खान के खिलाफ जिसपे जो है वो कमर लाल खान ने लिखा है कि ये 145 दिन जो थे ये रियल मजदूर तहरीक के वो दिन थे जिसमें जो है वो मजदूर जो है वो निकले थे, उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था और एक आमरियत को ख़त्म किया था, लेकिन ये तक जाहिर है वो उसके बाद जाहिर है जो देखते हैं कि 71 में जो है बांग्लादेश बना मतलब दो हिस्से हुआ, तो उसके बाद जब ये वोटो मूवमेंट जब आई तो उस वक्त जाहिर है मजदूर जो है वो काफ़ी चार्ज थे, मतलब जाहिर है लोग सोशलिज्म के नारे लग रहे थे और जो इस तरह से समझ गए थे कि हम जो है वो अब शायद इंकलाब आ गया है या आने वाला है, तो इस तरह से फैक्ट्रियों पर कब्जे हो रहे थे, एक पूरा माहौल बना था जैसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो है वो किराए गाड़ियों में किराए दिन से उन्होंने इनकार कर दिया था, मजदूरों ने जो है वो फैक्ट्रियों पर कब्जा शुरू कर दिया था, सर मैं तो कॉमरेड जो है वो खुद अपनी जबानी जो है इस चीज़ों को रखेंगे, तो आज की डिस्कशन का इसके मकसद ही यही है कि हम समझते हैं कि माजी के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं होता, तो आज के जो मुस्तकबिल के बारे में हम जो दोस्त बैठे हैं खासकर नौजवान जो हैं तो जो हमारे सीनियर ट्रेडमेंट अनुमान में बैठे हैं, तो जाहिर ये कॉम्रेड अपनी जो है वो बात का आगाज करेंगे और उसके हवाले से फिर बताएँगे कि कैसे जो है वो ये तहरीक आगे चली तो उसमें कैसे किस तरह से लोग शामिल हुए, क्योंकि जाहिर इस 72 की तहरीक के अंदर भी 13 दिन जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बंद रही जाम रही सारी,
और लेकिन ये है कि इसमें दीक्षा सिंह साहब ने इशारा कहा भी है कि इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यूनियंस थी या जो लेफ्ट की यूनियंस थी उनके अंदर भी लड़ा एक था जो झगड़ा चीन नवाज और मास्को नवाज का, उसके भी असर थे। फिर जमातियों ने भी इसको जो है वो प्रोपोगंडा किया हुआ था कि मतलब वो तो उस वक्त ज़्यादा वो कह रहे थे कि बोनस या इस तरह से जो ग्रेजुएटी है ये तनख्वाह से हटके जो है ये सारे जो है ये जायज़ नहीं है। वो तो उस वक्त ट्रेडिंग को इस तरह से नहीं देख रहे थे, ये तो वो बाद में वो आगे जो है ट्रेडिंग के अंदर गए। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि आप इधर आगे गए थे बैठ के ज़्यादा तस्वीर के साथ जो है वो जिस तरह से जो है दोस्तों से खासकर बताया था कि किस तरह से इन्होंने यूनियन बनाई थी वहाँ पे और किस तरह से लड़ाई लड़ी, उससे वो कह रहे थे कि जो है मिर्जा साहब की जो मीटिंग में जो ब्राह्मण साहब ने बताया था कि वो जब इन्होंने जो यूनियन बनाई थी वो मदर के उन्होंने कहा कि नंबर तो किसी मजदूर ने कहा कि 786, तो वो उसी पर जो है वो हो गई नंबर की सिगरेट की जो है पैकेट के खाली उसके ऊपर जो है लिख के दे दिया। तो उस दिन मैं इनसे कन्फर्म करा था, ये कह रहे थे कि आज भी वही नंबर है 786 जो है। तो फैजुल्ला साहब जो है अपनी बात का आगाज करेंगे और टाइम की कोई इनके ऊपर नहीं है, ये जहाँ से बात अपनी शुरू करना चाहें ये वहाँ से शुरू कर सकते हैं, फिर इसके बाद जो है वो बाकी दोस्त सवाल करेंगे या जो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि ये 1972 की तहरीक के बारे में बात हो रही है तो इसके मैं जरा तफसील में जाऊँगा कि किस तरह वो मजदूर थे समझदार हो गए थे कि उबार में आए थे वो किस तरह हुआ था और किस तरह हम लोगों ने किया था। मतलब ये कि हम लोगों ने जब सबसे पहले तो ये कि मैं जब होलिका यूनियन का सदर बना तो होलिका मिल में हड़ताल हो गई, वो ऐसे हालात में हुई कि हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा नहीं था हमारे पास। तो उस्मान बलोच के पास उसकी बहन की कोई 100 रुपया थी जिससे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया और फिर मजदूरों ने खुद अपने तरफ से यूनिफॉर्म शुरू की बाजारों में, जिसने वो ये कहते थे 10 पाई की बाई, वो 10 पैसे की आदमी से लेते थे और शाम के रात में हमको देते थे। उसी पे हमने 48 दिन हड़ताल चलाई उसी में ये गिरफ्तार हो गया। जब मैं गिरफ्तार हो गया मैं नाकब में था, इधर पुलिस वालों के साथ अग्रीमेंट हो गया मगर मजदूरों ने यह कहा कि हम मिलूस तक नहीं चलाएंगे जब तक फैसला खुद ना आए और हमको ये न कहे कि मिठा दुखा सकता था। फिर करामत हमारे पास आया और उसने हमको समझाया कि भाई ईद आ रही है, मजदूरों को कुछ पैसे मिलने वाले हैं बेरोजगारी की दिनों की, तुम इस अग्रीमेंट पे दस्तखत करो तब तुमको वो पैसे मिल जाए और चालू हो जाए। उसके बाद मैंने उसके दस्तखत किया और चालू हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मजदूरों में काम किस तरह किया, यानी दूसरी फेडरेशन है या ट्रेड यूनियन जो थी वो तो मजदूरों को बुला के अपने पास उनसे बात करते थे
हम लोग खुद उनके डेरों पे, उनके घरों पे, उनके कॉलोनियों में जाके वहां बैठ के उनके साथ रोटी खाके और उनको समझाने की कोशिश करते, और वो तहरीक इतना जोर पकड़ लिया कि क्योंकि उसने एक अगर उन्हीं का मजदूर होता था तो 10 दूसरे मिलों के होते थे, वो तमाम इतने ऊपर गए कि उससे 1972 की तहरीक बनी। उसमें तमाम मिली शामिल हो गई, उसका दुनिया असल के खैर सुल्तान जैसे शुरू हुई, तो खैर सुल्तान मिल में चांटी की गई थी और उसी पे मजदूरों ने शोर मचाया, पुलिस ने गोली चलाई, दो आदमी मरे और दो में से एक लाश मजदूर उठा के ले गए अपने साथ। तो इन्होंने ये ऐलान किया कि इसके लाश हम गवर्नर हाउस ले जाएंगे। दूसरी दिन मैं उसमें नहीं था, मैं हैदराबाद के नारा जेल में हमारे 3 साथी गिरफ्तार थे उनसे मिलने गया था, तो मैं हैदराबाद में था कि ये ऐलान मैंने सुना अखबार में पढ़ा कि जुलूस कल निकलेगी, तो मेरे साथियों को बोला कि पहुंचे, मगर हम जुलूस में नहीं पहुंच सके और 7 आदमी उसमें भी गुजरी हम चली, जिसको हम शहीद चौक बनारस चौक को हम शहीद चौक कहते हैं, उसमें 7 आदमी और मरे। मैं जब पहुंचा हैदराबाद से तो उनकी वो कब्र टूटी जा रही थी, मैं कब्रिस्तान चला गया सीधा और घर नहीं, तो उसी से 72 के थे इससे कर सुल्तान से, इसमें क्योंकि मीडिया या तमाम शामिल था, इसमें एक कमेटी भी बनी थी, वो तमाम मीडिया की कमेटी थी, वो भी क्यादत कर रहे थे, इसलिए उसने इतना जोर पकड़ा कि हुकूमत बेबस हो गई और उन्होंने यानी सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों को एक लाश भेज दिए थे उन्होंने गांव हुकूमत की तरफ से, एक हमारे पास गांव में यहाँ रखना है, वो तो करामत ने उनके ऊपर वो मजार बनाया है कब्रिस्तान। क्योंकि वहां से तुलिका की बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और हमारे साथ जो साथी थे कुछ मर चुके हैं, कुछ अभी जिंदा हैं, इधर है गांव में है, तो वो एक तकड़ा टीम थी। दूसरा ये काम लोगों का उन्हें चलाने का तरीका जो था वो दूसरों को बिल्कुल मुख्तलिफ था, इसी वजह से वो समझता बाकायदा मुनज़्ज़म लोग थे, तो हुकूमत में जो लोग थे इसमें पुलिका में रेशमा यानी मैं कोई 4 या 5 वर्ष का होने के लिए और केस चला, तो यानी वो ऐसा ऐसे नफरत शुरू हो गया वहाँ से कंपनी और मजदूरों के अंदर। एक दिन मैं गया था कोरोना
मेरे से बड़ा ब्लॉगर था, वहां से जब मैं वापस आया तो लेकिन एक्सचेंज वाले जो था उसने अपने का पहला एसपी ने फोन किया था, आपको पूछ रहा था मुझे क्या कहना है, मुझे नहीं पता था। तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, उसकी जब निकल जा रहा था उनकी फोन किया तेरा तेरा तो नाव तुम्हें उस वक्त में दी नहीं हूँ कहना कि मिल जो हो तुम्हें कहना गेट कौन सा टूटा हुआ है, गेट सुंदर टूटा है वो पांच ले लेगा कहना कि गेट टूटा हुआ मिल नहीं हूँ वहां से पता है और मुझे मिल में पता नहीं है कहने का तुम्हें नहीं है पता गेट को मजदूरों ने तोड़ दिया है। मैं बाहर निकला मजदूरों से मैंने पूछा लेकिन उन्होंने गेट तोड़ा है तो उन्होंने कहा हाँ भाई कौन सी गेट तोड़ा तो एक गेट बता दीजिए धके से खोलता है वो क्या वो एनजीओ वाला वो बताया कि ये गेट तोड़ा तो हमने लेकिन क्यों तोड़ा क्या वजह था तो उन्होंने कहा कि इसमें जो चौकीदार रहा उसके मूंछें बड़ी बड़ी थी हम लोगों को दूर दूर के देख कर रहा इसलिए हमने उस गेट को तोड़ दिया। जब मैं आया तो गेट ऑफिस में तमाम जो पुलिस के बड़े बड़े थे वो बैठे हुए थे उन्होंने बुलाया मैंने कहा फैसला ये गेट के मुताबिक तुम्हारा क्या राय है मेरे का क्या राय था ये गेट जब टूटा तो मजदूर की तनख्वाह में एक पैसे का इजाफा हुआ तो मुझे कहा नहीं था तो मेरे का फिर ये लग जाए तो कुछ नुकसान हो जाएगा मजदूर वर्ग के लिए नहीं इससे मेरा क्या ताल्लुक है मेरा इससे क्या ताल्लुक है। हाँ अगर तुम लोग गेट लगाने की बात कर रहे हो तो मजदूर से मुझे अकेले तुमसे देखा हूँ अकेला गाँव तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी जाके मीटिंग बना तो मिल और उसमें जो पैसा हो गया मैं बता दूंगा। तो वो एक यहाँ का ये मीटिंग कामयाब हो तुम जाओ मैं चला गया मीटिंग में बुलाया सब आ गए और उसमें ये फैसला हो गया कि ये को लगा दो तो उन्होंने वर्कशॉप वालों से कहा जो ये मैं लगा दो था तो ये उनको एक एक हो गया दिन का तो इसमें तो कितना देर लगेगा हम लोग कल लगाएंगे इतनी निकाली आई और हम निकाल के निकले आने में। तो जब मैं गाड़ी में बैठ गया तो दो आदमी और हमारे साथ चढ़ गए मुझे बहुत समझाए थे उधर वो नाराज हो रहे थे कि ये कोई जा रहा है और नहीं ले जा रहा है। जब गाड़ी गेट से निकली तो उनसे मैंने कहा कि भाई मैं तो खरीदार हो गया तुम क्यों चढ़े हो गाड़ी में बारह जब हम तीन हो गए डाल दिया। दूसरे दिन वो गेट भी लग गई तो उसने और ये नहीं लिखा तो मजदूर ऐसे थे कि मुन्नजम बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त मुन्नजम थे कि जहालत भी करते थे कि जैसे कि गेट को उन्होंने थोड़ा मोचे बड़ी कि तुम्हारा क्या क्या बुरा रहा है मगर बात जब होता था तो उसमें अमल करते ये उन्होंने कहा तो उससे और हिंदुओं को बन गया। फिर हम लोगों का इलेक्शन
अब वो हो गया। कंपनी ने एक पाटी यूनियन बनवाई और उसके इलेक्शन का तारीख भी मुकर्रर हो गया। हमने ये फैसला किया लेबर डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ वाले वो नहीं देंगे, कंपनी के लोग हैं। मगर इलेक्शन के दिन कंपनी ने हाईकोर्ट से अर्डर लेके और रिमूव करवाया। उसमें सिर्फ 600 वोट मिले, अभी तमाम मजदूर इलेक्शन हम लोग जीत गए। मुकाबले जो हार गए, दूसरे दिन हमने जलसा रखा पठान कर्मी की ईदगाह। उसमें जब हम देख रहे थे तो मुखालिफ यूनियन वाले जो थे वो आ गए। मैं तो रोक गया, मेरे साथ कोई असर नहीं आए तो स्टेज में, क्योंकि हाथ में ऐसी गलती भी थी। जब आ गए तो मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये हमारी यूनियन के कागजात, इसको यहाँ जला दो। उसको सेठ ने गुस्साया था तो यूनियन बना ले। अब एक यूनियन है कुमार, हमारे यूनियन के कागजात जला दो, हमने ले लिया अपने पकड़े में और उस स्टेज से हमने ऐलान किया कि भाई ये जो इलेक्शन हुआ है ये दो यूनियनों के जरिए हुआ, अब एक और इलेक्शन और वो फर्दन फर्दन एक एक आदमी या दो जितना खड़ा हो सकता सदारत के लिए, सेक्रेटरी के लिए, दूसरी मुद्दे के लिए, उस तरह करेंगे। उस इलेक्शन में क्योंकि मैं सदर कबड्डी कबड्डी का मिल था, मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए कर रहा हूँ और 15 दिन मैंने तकरीर की तो भाई कोई तो आ जाओगे मुकाबले के लिए ताकि हमको पता चल जाए कि मेरे खिलाफ कितने लोग हैं। मैं बुला मुकाबला कामयाब हो गया और मुखालिफ यूनियन का जो सदर था चाहते थे कि मेरे ग्रुप वाले लोग थे उसके सदर को दे देते, उसको दे देते, वो हमारा सदर बन गया और बन गया। इस तरह हम लोग चलाते थे यूनियन को। तो ये बहुत लंबा कहानी है। एक दिन हम लोग मिल लेते हैं, मेरे पास एक लड़का आया सलीम ने, जो सलीम माजर है, बहुत से माजर थे हमारे साथ, उद्दार भी थे। सलीम ने कपड़े के गार्डों पे कब्जा किया है कि ये नहीं जाएगी और नहीं। मैंने जब सोचा सलीम जितने देर में वो बाहर पकड़ा जाएगा और फिर उसको मारना पड़ेगी तो मैं सीधा चला गया उस मामले में। और उस्मान बलोच से मैंने ये कहानी उसको बताई। उसके बाद यह फैसला हुआ कि हमने कब्जा कर लिया और जब कब्जा कर लिया तो जितनी ताकत थी हुकूमत के पास, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी आए थे, ये ऊपर घूमते थे, तस्वीरें लेते थे और इतने वो डरे हुए थे कि इनके पास असला बोर्ड भी होगा। इसी तरह शाम का टाइम था, मैं छत पे बैठा हुआ था,
तो वहां से जब बजेटी आ गई तो नाला का उसने कूद कूद कर बैठ गया, जिसे ये संभाल ली हुई थी। 6,500 बजेटी आई पहुंच, तो मैं जब उतरा तो एक आदमी मेरे पास आया, मेरे का गेट पे हवा दे दे रहे थे, मिला कहा गेट पे आ जाए। मैं जब आया तो मैंने देखा तो सामने एस डी एम हरपाल खड़ा था। मैंने उसको बुलाया, वो जब आया तो उसने कहा कि फैसला ऐसा करो गेट खोल दो, जो गिरफ्तार होंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे, बाकी घरों को चले जाएंगे, उनका गेट खोल देने के लिए गेट नहीं खोलेगा। मैं उतर गया, इतने में नेसा नाम का एक साथी था, उसने मुझे कहा क्या कहा उसने, तो मैंने कहा ऐसा कहा और मैं गेट और गेट कहा उससे टेम लो हम खोलते हैं गेट, क्योंकि मजदूर तुम हम सोए हुए एक साथ हो, तो व्यक्ति भी चढ़ा उसके गेट और एस डी एम को भी बुला के उससे कहा कि मैं गेट खोल देता हूँ, मगर क्योंकि मजदूर आते मैं और अच्छा तुम सोए हुए हैं इतना टाइम दे दो निकाल दीजिएगा। तो उसने रात को 2:30 बजे तक कहा तैयार हो। जब मैं वहां से उतरा एक छोटा गेट था उसको कटकटाया किसी ने, उसी भी जब मैं पहुंच गए ये अफिसर का वो खड़ा, उसने कहा कि पठान कोई है तो कहा देखो मैं कुछ तो नहीं बोल बोल ये मैं कानूनी मैं तो तुम पता हूँ ना तुम्हें कहा हाँ मेरे कहा कुछ तो भी तुमसे कहता हूँ ये नहीं खुली हो गया। और मेरे जैसे मैंने ये बात की वैसे शीट शुरू हो गई, मजदूर जो बाहर थे वो भी बाहर के अंदर आते और मैं चला गया उनके पीछे कि मैं उनको निकाल दूँ समझा दूँ कि गर्मी थी कभी सुतार कभी लगा के वो बीमार थे, अपने खाते में बहुत से कपड़ा पड़ा हुआ उससे फाड़ के वो करो। मैं जब चला गया उस बिल्कुल अकेली सिरे से शुरू करके वो तो लोगों को बाहर निकालने लगा। बिल्कुल बीच में जब वहाँ पहुँचा तो पावर चले गई, तो मेरे हाथों को इससे एक पिलर मालूम किया उसके साथ बैठ गया और रास्ते का पता नहीं कहते मैं किस तरह हुआ। इतने में जब मैं देख रहा था तो गैस की रोशनी आ गई, जब मैं देखता 3-4 पुलिस वाले थे फिर खड़ा हो गया भाग के आए मेरे पास पकड़ लिया उनको, क्या नाम है मेरे का कोई नाम है इसका मतलब तो पत्नियों को व्यवहार किया चलो हो गया हमको पकड़ के एस पी के पास लाया। एस पी जब हम उनको देखा तो मुंह कर दो तो महिला मरा हुआ सब क्या था, मैंने कहा नहीं मरा हुआ भी नहीं सब क्या था, गरीब का नंगा भी नहीं समझा था इतना है। उसने एक पुलिस वाले ने डंडे छीन के 3 डंडे के कंधे पे मारे और वो डंडा टूट गया। इसके बाद उसने कहा पकड़ लो ताराशी पुलिस का, तो मैं हंसने लगा। उसने कहा हंसते क्यों, मैंने कहा मैं इस वजह से हंसता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ होता तो तुम अंदर कैसे आते, तो मेरे पास कुछ नहीं था जब भी तुम अंदर आए पकड़ के ले वो दोनों तरफ पुलिस के लेने लग गई और रस्ते के बीच में अखबार वाला पले आगे भागते थे और तस्वीरें खिंचवाते थे गेट पर ले आए। वहाँ 2 SHO खड़े थे
ऐसे जो थे या जो थे फूल वूल लगे हुए थे लड़ाई देख रहा था, तो एक ने मुझे टपल दिया, तो उसने कहा मार नहीं बेटा तुझे ले गया था। वो सारे जब ले गया वो काफ़ी काफ़ी नाटों में थे जो खास खास थी, बाकी तो बसों में बिठा के कितनी देर पहुँचा दी। उसके बाद तो हमारा ईश्वर हुआ हुआ तो हुआ। तो ये हम लोगों की कहती बड़ी कम मिल से मेरे कुल मिला के मेरे नौ माता हो गए, जिसमें दो मरतबा भवानी मिल से और सात मरतबा बड़ी कम मिल से। अब मुझे ये याद नहीं है किस तारीख को और कितना सब जेल में रहा, इसमें फिर वो जेल में गई हूँ, सफर में गई हूँ, हैदराबाद सदर में गया हूँ, नारा जेल में गया हूँ, पीपरी जेल, कराची सर्दर जेल, इन तमाम के घूमा हूँ। अगर आखिरकार मुझे मैं जेल में था और उन लोगों को इसे मैं जेल में था, मैं जब निकला तो पांच आदमी बाकी थे, जिसमें एक सिर मोदी था, एक मौलाना खालिद था, एक आलमगीर था और वो दो कि पांच आदमी बाकी थे, बाकी सब हिस्सा ले लिया। उसके बाद साथी हो गए, साथी में ये भी पैसा लगे कि उसको जुड़े के रूप से आता हो क्योंकि ये मायूस हो जाता तो फिर फिर उसको मैं क्यों मायूस हूँ। उसके बाद साथी ने यह फैसला किया कि तुम जुड़े में हिस्सा नहीं लोगे और चिप्स देखने का सात साल में चिप्स देखने का मगर दुनिया में कोई उठा नहीं है क्योंकि पाबंदी थी। फिर भगवत जी ने निकाल दिया, फिर साधु ने यह फैसला किया कि विद्यार्थी इंजेक्शन हो रहे थे, उनका ये कहना था कि मेरा नवाब का साथ दो, तो हमने नवाब का साथ दिया। तो साथी बोलते हैं नवाब को मेरा नवाब भारी एक्सीडेंट से कमजोर हुआ और उसके बाद वो लोगों ने तंजीम बनाई, हर मोहल्ले मोहल्ला हमने तकसीम किया मस्जिद के हिसाब से, तो 22 मस्जिद होगी तुम्हें मोहरे, उसमें 22 कमेटियां हमने बनी और मेरे नवाब से हमने कहा कि भाई तुम इन कमेटियों के सामने जवाब दे, क्योंकि ये इन कमेटी वालों को पता है कि कहाँ नल लगवाना है, कहाँ स्टेट फोर्स की जरूरत है। कमेटी के फैसले के बगैर तुम कोई फैसला नहीं, और उससे कानूनी के लोग इतने मुलजम हो गए। दूसरा फैसला हमने ये किया कि तुम बैठ के लोग मुबारकबाद देने के लिए तुम नहीं आए, तुम जाओ घरों में लोगों से मिलो, उस तरीके के बाद दूसरे दिन जब हम लोग बैठ गए। ये बहुत लंबा कहानी है, तो मैं अच्छा से ये काम था क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ है जितना मैं आज तक रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वो था
यूनियन में जब ले गया तो वहां भी नए रंगों का वो यूनियन बना लिए और रजिस्टर भी कर लिया। तो बहुत सारा मजदूर है, तो मेरी जिंदगी तमाम इसी हालत में गुजरी है और मैं हमेशा से घर के बाहर कि मुझे गुमनामी का बोध नहीं चाहिए। बहुत से लोगों ने हमसे ये भी कहा क्योंकि मैं फौज के खिलाफ बोलता हूं उल्टे बोलता हूं, इनका काम नहीं है वो ये करते क्यों करते हैं, इनका काम नहीं है ये क्यों करते हैं, ये जिनका काम है उनको करने दे, ये अपना काम करें आपके सरहदों के, वो इनका काम है। ये नहीं कि जज को मना करे कि तुम मैं ज्यादा नहीं, तो वजीर आजम को मजबूर करे, सदर को मजबूर करे, पार्लियामेंट को मजबूर करे, जनम को मजबूर करे, ये इनका काम नहीं है। मैं इनके खिलाफ हर महाज पे लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। वहां अभी एक तंजीम बनी है, वो पश्चिम वाले हैं, जब हम जानते होंगे पीटीएम, हाँ, तो मैं उसी में उसके परिवारों से देखा कर रहा हूं। ये अलग बात है कि वोट एनपी को क्योंकि इंजेक्शन के खिलाफ है, अपने आदमियों को नहीं खड़ा करता है, तो ये जितने दोस्त है वो उनको होती है। तो आप क्या समझते हैं कि वो इलेक्शन में आ रहा है इसके हाथ में, मगर ये कि मैं उल्टे लड़कियों लड़कों से बहुओं से कि मैं इस जिंदगी के लिए तैयार हूँ कि दूसरा मुझे हाथ से पकड़ के ले जाए, उससे पहले अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरे लिए खुशी। और खामोशी इसलिए नहीं होगा कि मैं तो गरीब आदमी हूं, गर्मी रोटी होगी या नहीं, ये मैं जब चला जाऊंगा तो रोटी तो मिलेगी, वहां रोटी तो देगी ये लोग, तो मौत से भी मैं नहीं डरता और जेल इसकी बात ये है कि मेरी उम्र जो है वो 90 के करीब है, तो इन लोगों को कुछ तो शर्म आई है, इन लोगों को मुझे जेल न ले जाए, अगर ले जाए तो कोई जेल ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं नहीं गया हूँ। इस सुबह अगर मैं ये कल इसके चाहते हैं सवाल रखते हैं, और इसके अलावा मैं कहा जैसे कमर रमजान मेहमान है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी इस मूवमेंट का जिक्र जो है वो काफ़ी जगह पर किए है, कभी दारा खुद भी उसके अंदर शामिल थे, इस तरह शीमा रमानी जो है वो ये दारा खुद उसके अंदर शामिल थी, उन दोस्तों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं सारी तैयारी, तो बाकी दोस्त हैं तो उसकी
आपने कहा कि वजीदा के मजदूर जो थे वो बहुत मुनासिब थे, है ना? तो मैं आप ये भी कोई बात कर कि ये बताइए कि वो किस तरीके से मुनासिब हुए, किसने किया और क्या तरीके, क्यों ऐसा था कि वो ज़्यादा मुनासिब थे और दूसरे नहीं? कुछ वहाँ पे कोई सियासी जी अमल हो रहा था, है ना? तो उसके उसकी उससे थोड़ी बात करते हैं तो फिर शायद आप ये बात पूछ रहे हैं रजमान साहब को भी क्लियर हो जाएगी। उसके तो मेरे बात कुछ किया नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये थी, मैंने बता दिया कि हम लोग जाके डेरों पे लोगों के साथ बैठ के बात करते थे और उनकी उनको उनके डेरों पे जाके समझाते थे। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने ये नहीं किया। आप खुद कैसे, आपका शौर कैसे सियासी बना? भवानी मिल में तेरी की दूसरे सर्टिफिकेट और उसकी तेरी की चली, उसमें मैंने सरगर्मी से हिस्सा लिया और यूनियन के साथ सख्ती से रहा जबकि उद्देदार नहीं था। मगर उस हालात को जब मैं देखता रहा तो मैं, क्योंकि गांव में जब मैं था तब भी मैं मानता हूं, तब भी खानों और मालिकों के खिलाफ, इधर जब आया तो इधर भी मेरा वजीर रहा और सरमायदारों के खिलाफ, क्योंकि ये मेरा शुरू से ये वो था। उसमें पुख्तगी तेरी में चलते चलती फिर आ गई, मगर क्योंकि मेरा शुरू से ये जो है सर्वेदार नहीं होते हो तो गाँव है या जमींदार है, जागीरदार भी नहीं हमारे इलाके में, जागीरदार भी नहीं हमारे इलाके में, जमींदार है जिसके 200 एकड़ 150 एकड़ या 50 एकड़ 40 एकड़ इस किस्म की जमीन है, मगर उन भी को मालदार करने शुरू से तो सियासत में शुरू से था। और मेरा वाले उसका भी यही रवैया था और उसका ये कहना था जब मैं इधर था कि मैं तैयार कपड़े तुम्हारे लिए भेजूंगा, तैयार कपड़े भेजूंगा दिया। और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं गिरफ्तार हुआ तो मेरे वाली आके ले गया गाँव, और जब मेरे यहाँ होके आया तो सियासत में शुरू से ये था कि एक बात और कि मैं गांव का एक अनपढ़ जिसने एक दिन भी स्कूल आंदोलन नहीं किया हो वो मैंने
एक दिन भी नहीं पड़ा, मगर इस तहरीक के दौरान मैंने खुद किताबें भी पढ़ना शुरू किया, लिखना भी शुरू किया, और यहाँ तक कि मेरा जहाँ तक ख्याल है बड़े बड़े लीडर मेरे सामने नहीं पढ़ सकते, नहीं समझा सकते, यानी मैं ये कह दूँ कि मोहसिन को मुझे इतना अबूझ था कि शायद किसी को हो, क्योंकि हमारे दोस्तों की तरफ से ये था कि वो मोहसिन का एक कोटेशन आता था, ये कैसा लगता कि वही ये एक बार हो, उसको मैंने 72 मरतबा एक तो उससे मैंने सीखा, और 22 कमेटियों में चला था उनके साथ, बाकायदा बैठ के पढ़ता था, पढ़ाते था। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे मेरे साथ, तमाम बैठे हुए थे, तो एनएलबी उनका ये कह रहा था कि भाई तुम पढ़ो, क्या करते हो, मैं उनको क्या पेपर दी हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ते, कह रहे थे पढ़ना होगा, फिर मैंने शुरू कर दिया, चाय का वक्फा हो गया। तो उसमें एक मेरा नवाब था, एक हनीफ नाम का, एक मकीन खान नाम का, एक अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन मंगेशी, तो अलाउद्दीन मंगेशी उसके थोड़ा सा कंस कर जमाने में याद ये था कि रूस जो है ये सुशल साम्राज्य, तो अलाउद्दीन ने मोस्टली कंस करके ये कहा कि फिजला ये बताओ कि ये सुशल साम्राज्य क्या होता है। तो मैंने उससे कहा कि ये सवाल तुम्हें लेनिन से पूछना चाहिए था। उसने कहा ये कैसे, मैंने कहा ये लेनिन ने अपने विस्तार काउकस्की को बोला था, क्योंकि उसने पहले अलमीनियम की हिमायत की थी, तो लेनिन ने उससे कहा कि तुम सोशल साम्राज्य, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लेनिन का किताब साम्राज्य और साम्राज्य सफा नंबर 13 पढ़ो। उसके बाद तुम्हारे पास है तो लेकर चाय के साथ मैं लेकर आया उसको, और उसको दिया सफा नंबर 13 पढ़ो। जब पढ़ा क्या क्या हुआ, आपको किसने इंट्रोड्यूस किया है मार्क्सिज्म से? मार्क्सिज्म की तरफ आपको किसने रावत किया है, कैसे सब पानी पिलाओ सबको, मार्क्सिज्म की तरफ एक ये है सारा जो मिस्टर एक ये है जो उन चीज कहेंगे गिराया, क्योंकि आज के दिन में मेरा प्रॉब्लम ज्ञान नहीं छूटता और एक था वाइट बशीर और एक था शाहरजा, ये तीन आदमी मेरा हाथ जो है वो कलर स्मार्ट कलर जो है वो पहुंच के वापस से जो कितना दूसरी दवाई को आना पड़े थोड़ा वापस से लेकर आया, तो जाहिर है इनके बगैर जो है वो
जो डिस्कशन की वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर जो है ये उसमें है, जैसे जो है वो नबी अहमद साहब ने लिखा है कि जब वहाँ पे ये नेगोशिएशन के लिए मुजाकरात के लिए जब आए तो वहाँ पे जो कबूल जो मिनिस्टर थे तो उस पर जो है वो उस्मान बलोची के ऊपर जो है वो लोगों ने एतराज़ किया कि ये बलोची में बात कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई ये क्या, ये वैसे नबी अहमद साहब ने लिखा है आपने उसमें। तो इस तरह से उसमें ड्रामा साहब ने भी अपनी राष्ट्रों में जो डॉक्टर जाफर साहब ने जो कंपाइल की है उसमें वो लिखते हैं कि जो एक मुखालिफ यूनियन के जो लोग थे वो इस तरह के नारे लगा रहे थे कि जो पानी जो है वो उन्होंने लिया और खून के बदले पानी लिया, इस तरह की भी थी। तो काफ़ी सारी उसमें फिर ये नबी अहमद साहब ये भी लिखते हैं कि जो भी कौन सी थी उनकी जो है ना वो एक यूनिट था या कुछ यूनिट उनके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुला ईस्ट बन गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी जो तनख्वाहों का जो इशू था उसके ऊपर जो है वो उन्होंने तनख्वाही नहीं दे रहे थे, तो वो गवर्नमेंट के साथ भी वो थी कि शायद इस पर जो है वो गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन दे जो हमारे यूनिट पर रह गए हैं इस हवाले से। लेकिन इस तरह से हमने बात को स्टार्ट किया था कि 1972 की तहरीक से पहले मतलब उस्मान बलोच थे ये तो 68-69 के अंदर जो है उस्मान बलोच बन चुके थे, क्योंकि जो हमने जो पढ़ा था इनको देखने से पहले उसमें ये था कि जब जिस तरह से इन्होंने फौज के हवाले से बात की कि जब फौज जो है वो अयूब खान के दौर में जो है वो जब ये जुलूस को लीड कर रहे थे उस्मान के तरह, तो जो उनके जो फौज के जो गवर्नमेंट थे या जो मेजर थे जो भी थे आफिस खुद उसको रखेंगे कि वो एक लाइन खींच देते थे कहते कि ये जो क्रॉस करेगा उसको जो है वो शूट कर देंगे, तो कमर उस्मान बहुत जो साथी थे वो लाइन क्रॉस कर देते थे फिर अगली लाइन पे जो है वो फिर वो यही करते थे। अब वो जो मजदूरों की जो तहरीक थी जिसके अंदर जो है वो फौजी भी पसपाई जिन्होंने अख्तियार की थी, आज के हवाले से हम देखते हैं कि उसकी जो है वो क्या है। तो मैंने ये कहा कि हम फैजुल्ला साहब से ये था कि हम इनकी बात को करने के लिए अभी उस्मान लोग जो है वो भी अपनी बात रखेंगे और फिर इसके बाद हम जो है वो हाउस को जो है वो ओपन करेंगे, तो मैं अमर उस्मान से दर्ज करूँगा कि वो अपने ख्याल को इजाज़ करें। लेकिन आके वापस कर गया कि गाड़ी ऐसी फंस गई थी भाई जो अगर बंद नहीं करता तो आग वाग कर ऐसा मुसीबत बर आ हम आप सब मजबूर हैं हालात के हम उसमें हैं जिस दिन वेदर है तो ये तकलीफ तो होती है। सम्राट जनरल से बात की मेरा ख्याल है कि फैजुल्ला ने पहले बात कर ली होगी तो मैं उधर से अब उसको दोहरा करने मोटी मोटी बातें थोड़ी रखनी है वो ये कि बेस्ट कंपनी में मैं था तो वो वर्कर आए जो मंगला डैम में काम किया था उन्होंने वो आए तो मैं घर हमारा राजकोट में डैम वाटर में तो मैं और जो तरीका होता है घर से निकलता था ली मार्केट तक और ली मार्केट से फिर जो लोग काम करते थे और पूरा उधर आपका फ्री रोड क्रॉस करके उधर मजदूर मजदूर जो काम करते वो साइकिल पे जाते थे तो मैं साइकिल पे उनके साथ जाता था। ली मार्केट पे एक बस स्टैंड है जो तो मंगोपी वगैरह जाते हैं लोग तो उधर में खड़ा होता था जब अक्सर मजदूर नजर आते थे कि ये मजदूर हैं लेकिन वो अपने आपस में बात करते थे क्योंकि मैं साइकिल पर इंतजार करता था तो मैंने देखा कि ये बात मजदूरों की कर रहे हैं तो मैंने एक लैंड में आया क्या क्या बातें करें कुछ दिन तो उनकी बातें समझा रहा फिर उसमें मैंने समूह की चर्चा की। ये कंस्ट्रक्शन के मजदूर थे और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो जनूब कहा जाता है ये उधर काम करते थे तो उधर से मतलब बड़ा उधर उधर बड़ी तकलीफ जहाँ जहाँ मंगला
अगले दिन के काम कर रहे थे वो तकड़ी थी। तो इन सब में बात थी कि ये कोई भी छुट्टी कर देता था वो अपने दोस्तों से आता था या हाजिरी देने को आता था क्या करता था ये कभी कभी हमारे साथ है चलता था कि भाई क्या है दोस्त साहब कैसा करें क्या करें ये कुछ दिन की बात हुई। लेकिन बातों बातों में महसूस ये हुआ कि अब आते आते मैं मजदूर के करीब आता जा रहा हूँ उनसे। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई यूनियन वूनियन नहीं उस जमाने में, जब यूनियन नहीं थी और एक दो दफा आदमी ऊपर से गिर भी गए थे तो उसमें फिर मेरे जरा दिलचस्पी थी छोटे छोटे नजर मगर जैसा होता है हमेशा कुछ अच्छे अफसर कुछ बुरे अफसर क्या ये ऐसा। तो एक अफसर था वो क्योंकि उधर उसने काम किया था वो निक्कर पहन के और जीप में होता था और जाए अगर वो देखे तो कोई मजदूर अपने आपस में बात कर रहे हैं तो उसी को तो जैसे वो निकालता था भाई येलो साइन देता था किसी से खुश हो गया तो उसको एक हौसले थे कि उसको पे राइज होता था और वो दूसरे को भी और वो कुछ तो मैं गाली भी देता था। हम तो सुनना बोला भाई ये गाली भी बोल देता है हमारे लिए क्या है। तो उन्होंने समझा कि ये लड़ाई तो इधर होगी तो हमने कहा कि सर्कल इसको बनाओ इसको गुस्सा दिलाओ फैसला मतलब हुआ कि इसको गुस्सा दिलाओ और ये लोगों को गाली देता रहे और हम हैरत के नाम पर देखो हमारी माँ बहन को गाली देता है इसको और बढ़ाओ। पहले उससे बात नहीं होती थी हर आदमी सुनकर था हम काम कर रहे हैं क्या है सुना नहीं सुना ये जब तो हुआ तो हम अपने अपने डिमांड्स करने शुरू किए डिमांड करने शुरू किए और उस अफसर को हमने फोकस किया। जिस तरह होता है एक नफ्सियात है कि मजदूर मजदूर की तरफ जाता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट की तरफ जाता है उस तरफ हो जाए। तो हमने बात ये करनी थी कि इधर सिर्फ इस आदमी को बताओ कि हम नौकरी करने आए हैं और ये जो गाड़ी दे रहा है इसका हमने उधर बोटों में लोगों में इधर उधर बस ड्राइवर से ली मार्केट में चापीवाड़ी में ये बात जिधर जिधर मजदूर था उधर ये बात चलती थी कि इधर हम लोग गाड़ी मारे पर कब्जा कर लिया कब्जा कर दिया। और ये 68 की बात है अब इधर शुरू नहीं हुई मैं कहीं स्थापना के साथ था और कहीं स्थापना में देखा कि ये बहुत बात दूर जाएगी मैं उसमें पुनः काम करता था 68 मजदूरों में सिर्फ के मजदूरों में मैं काम करता था ज़्यादा मजदूरों में मैं नहीं था। ये जब हुआ तो कुछ लोग भी बुराई करते हैं कुछ लोगों की तारीफ भी करते हैं। आई एच उस्मानी है चेयरमैन था उसका हमको उसने जब हमने कब्जा कर लिया तो उसको बहुत नाराज हुआ उसने कहा कि इंडिया के आदमी अफगानिस्तान के जरिए इधर गड़बड़ फैला रहे हैं और तुम उसके एजेंट ये उसको उसने लगे तुम उसके एजेंट हो इंडिया काम कर रहा है इंडिया में जो पठान बहुत से अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है ये है और आपने ये किया है और हम बहुत सख्ती करेंगे क्योंकि मैं उसे जरा ज़्यादा जानता भी था वो बोलता है और मैं लिखता गया आए उस्मान बलोची अंडर साइन फलाना ये वो और उसने कहा कि शक उसको ये है कि हम एजेंट हैं और मैं ये काम करता हूँ जो पुख्तून लिखकर करते हैं पुख्तून जितने सिर्फ वो पुख्तून नहीं है लेकिन पंजाबी भी हैं पुराने ये हमने उसको कहा के साथ अब आपने बात कर दी खत्म हो गया ये है। और मैं कसम खाता हूँ कि इसमें अगर और भी हैं हर को फांसी दे दो वो मंजूर इल्ज़ाम हम पहले को की तो हम मेहनत कर सकते और मैंने कहा यह कि आप और एक आदमी था मियाँ गुल मेरे साथ
गैस कंपनी में सीमा मियाँपुर मेरे पास था। मैंने मियाँपुर पर कहा कि स्कूटर पे करते हैं आप अगर रोक दो, अगर पुलिस में मुझे लेके गए दो लोगों को पता देना हालात ये हैं और मैं निकल आया तो स्कूटर पर ठीक हो जाएगा हम चले जाएंगे। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पता मैंने बोला नहीं मुझे ना मेरे बाप को भी नहीं छोड़ना, ये इल्ज़ाम है। अब मसले की इस वक्त बात ले जाते हैं इन पर ही वो कुछ नहीं और हमने कहा कि ईमानदार आदमी रखना जिसमें डालता है। ये एक बहुत गैर रवायती तरीका था, मैनेजमेंट बोला ये वो वकील की बिल्कुल सीधी सीधी अपने बात की और वो आदमी को जब उसने कहा कि हाँ मस्त हमने इंक्वायरी की है वो भी होता रहता मसला क्या है। मैंने कहा साहब आप ये देखेंगे ऊपर देखकर जब काम करते हैं वहाँ से अगर मौजूद गिर जाए तो उसकी काम रुकती है मरता है आपके पास सेफ्टी क्या है। मैं बन रहा हूँ मसले और की बात तो मैं सर उसकी बात करता हूँ क्या मसले इसलिए वो सवाल किए उस्मानी ने बोल दिए ये हुआ कि कोई दफ्तर नहीं है इधर हम बैठते नहीं है आज आपके घर में कल उसके घर में कल उधर इस तरह हम जितने जितना मजदूरों उसमें त्यामी के भी मजदूरों के पठान कॉलोनी के साथ जितने दूसरे थे ये लोग उसमें मैंने कहा ये तो पहले भी मरतबा मुझे तजर्बा ये हुआ किस तरह मैं बड़ा हूँ पहली मरतबा मुझे तजर्बा हुआ कि मजदूर फेडरेशन नहीं दफ्तर में नहीं जाते हम घरों पर जाते हैं। जब हम घर पर जाते हैं तो उनकी बीवी माँ बच्चिया ये भी सुनते हैं कि ये तो एक पूरा खानदान को बात हुआ होता है और ये मुस्तकिल ये बात होती। मेरा पहला तजर्बा ये हुआ कि मजदूर के घर पे अगर बात करेंगे तो मजदूर और उसकी फैमिली सब सुनती है नंबर वन। नंबर दो ये है कि सीआईडी का कोई आदमी नहीं है लोग नहीं पिक्चरते हैं कि ये कितने आदमी है कितने आदमी नहीं है ये एक प्लस पॉइंट है मेरे ये मेरे तजर्बे में बात है। खैर हमने मसला हल कर दिया मसला हमने ये हल कर दिया और फिर हम बेदार आ गए। तब तक कमीज फातमा ने एस डी एम से मिलकर अपने आप को आउट करवा दिया है लाहौर लाहौर निकल इधर से कर दिया और कमीज फातमा पर मैं ये कहता हूँ कि वो वली का मैं काम करती थी वली का मैं से बेचारे गया आपके तजर्बे के लिए मेरा तजर्बा है आपके तजर्बे के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब यूनियन बने या कमेटी बने जो काम करती है उधर आपके लिए हालात ऐसे हो गए कि आपने काम नहीं किया या पकड़े गए या गिरफ्तार हुए ए बी सी कुछ ऐसा मुद्दा हो गया तो अक्सर ट्रेड यूनियन का तजर्बा मेरा यह है कि लोग डर के पीछे हट जाते हैं। जब डर के पीछे हट जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लेबर डिपार्टमेंट पकड़ा वो तो छोड़ो जो जो सेठ के कैंप के मजदूर हैं उनको भी खुशी होती है और उसके बाद लोग उसमें बिल्कुल बददिल हो जाते हैं खौफ डर। तो ट्रेड यूनियन की का तजर्बा मेरा ये है और मैंने गणेश पापा को कहा कि अगर हम एक रेहान चला गया और आगे इसमें अगर आप पीछे हट जाएंगी तो इसका मतलब है आपने मौका दिया एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को सीआईडी को वो और आगे बढ़ेंगे फिर आपके लिए जगह नहीं है उधर अगर नुकसान होता है कोई बात नहीं पीछे नहीं हटना चाहिए जब पीछे हटना नहीं चाहिए तो आगे हम करें और उसके बाद जैसे ही हमने आगे करके बात की तो बलिका में जो यूनियन थी
फैसला को याद होगा, रेहान जब चला गया उसके बाद मेरी इंटरव्यू इधर हुई, जब मेरी इंटरव्यू इधर हुई तो ये यूनियन बहुत हिम्मत वाली यूनियन थी, क्योंकि सेठ बली का लक्षकत बली का मैं पूरा पूरे ब्रिटेनिया को कंट्रोल करता था, मेरा उसका नाम था, वो बाकायदे से छोटे सरमाए करते उनको बिल्कुल दबा के रहता था, मानता नहीं था। ये हमारा दूसरा तजर्बा जिसने मुझे मसले को समझते और मसले को कंसिस्टेंट मुतवत तरीके से मजदूर के साथ मेहनत कश के साथ हमेशा मुझे रखा, ये बात इसको आगे चलाते हैं। अकबर सरदार ये जब कब्जा हुआ बलिका का तो आप हमसे पहले गिरफ्तार हो गए, आप हमसे पहले गिरफ्तार, ये बहुत लड़की गिरफ्तार हो गए, ये लड़के गिरफ्तार हुए तो मैंने इस काम को आगे जो बढ़ाया वो तजर्बा मेरा जो था, मैं लोगों में गया, जब लोगों में गया पठान कानून में फिरतीय कानून में, इसमें सिर्फ मैंने एक बात ये याद रखी कि किसी जमाने में PIDC कानून के तहत जहाँ मजदूर हो वह मुंबई में भी इस तरह होगा, जहाँ मजदूर है तो कानूनी भी वहाँ मजदूर, लेकिन उधर से लोगों ने निकाल दिया था और जो डी मार्केट से जो लोग जाते थे वो घास वास ये वो लाते थे, वो हमको बताते थे अपने आपस में पकड़ा बड़ी में इसलिए होते थे, वो हम लोग बताते थे कि वे सब पठानों को मार के निकाला है और पहाड़ की तरफ भेजा है, इसको हम ओड़ंगी नाला कहते हैं, जहाँ ये उस तरफ गए, ये मजदूर वो घास मंगोपी की तरफ से उठाते थे ना वो करते थे, क्योंकि हमारा उसका कुछ ताल्लुक ऐसा कौमी के लिहाज से भी था और एरिया के लिहाज से भी था, मजदूर बताते थे पखड़ापुरी वाले कि पठानों को मारा है उनसे निकाला है और मिल एरिया से निकाला है और वो ओड़ंगी तवे के इलाके में हैं जहाँ लाल बख्श रंग के रस्तेदार रहते हैं उस वक्त मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई ये आदमी तो तकड़े खूबसूरत लाल रंग के वो है और 6 महीने के बाद साल के अंदर अंदर ये बीमार नजर आ रहा है, बिल्कुल वो ब्लू रूम होता क्या होता है जिसमें आप वो काम करते हैं तो एक ग्रीन डिपार्टमेंट दूसरा साथ में डिपार्टमेंट है शायद उसमें जो काम करते थे ना बिल्कुल वो होते थे, ये अक्सर हमदर्दी की वजह से ये करता था, यहाँ देखो तुम हालात कैसे हैं मजदूरों को एहसास दिलाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समझ में ये आया कि इलाके बड़े जबरदस्त में रहते हैं और अक्सर वो अपने आपस में और वो एक गाना वाना गाते हैं उसमें तो कुछ तो में पहले संतरा बांधो संतरा होता है पता नहीं क्या होता है और उसके बाद फिर वो अपने मुल्क की भी बात करते हैं बाजर, ये बात जिस तरह पुराने जो लोग हैं उसों की बात होती थी तो उसमें मैं समझता था मेरे बड़ा अपने मुल्क की जो बात करते हो इधर नाला नाले में रहते हो फलाना करते हो लाश होगी तो मेरी बात में बात करते हो, ये लोगों में होता था, लेकिन मैं मजदूर में कभी भी ये नहीं गया कि फलाना खराब है फलाना खराब है वो हमारे दुश्मन है वो दुश्मन की बात नहीं करो हिम्मत की बात करो, ये होगा जैसा कि मैं ये बात करता हूँ, एक आदमी था जिसको सब समझते थे ये शिक्षा आदमी बैतुल्ला कहता था कि तू इसे भी बात करता है, मैंने कहा बैतुल्ला जब मैं जेल में जाऊँगा ये आदमी हम लोग के साथ होगा, याद है मैंने कहा अगर अभी हम इसको बात करेंगे तो लोगों में ये होगा कि भाई इस आदमी को पहचान लिया और भी है उसको इतना वो नहीं तो मैं बोला फैजुल्ला मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आदमी हम लोग के साथ जेल में जाएगा तो श्रेष्ठ आदमी है उसकी जो कि हम आप सब हमारे एक हैं बड़ी वो बात नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब वो तकरीर में करता था या तकरीर वो करे तो दो एक आदमी में संभाल के
ऐसे रहता था कि अपने साथ जाओ और उसके पास खड़े होकर बात करो, फलाना फलाना आदमी यह बहुत नाराज हुई है यार, इसने वही बात किया जो फला जगह लोग से बात कर रहा। शे भी फैजुल्ला पे नजर थी, हम पे नजर थी, जो छुपा हुआ आदमी था उसकी जब हम तारीफ करवाते थे है ना, तो शे भी उस पर नजर ज्यादा रखती थी। तो जब हम गिरफ्तार हुए तो फैजुल्ला और हम तो गिरफ्तार हुए, वो भी गिरफ्तार हमारे साथ हुआ, टैक्टिक्स बनाकर बताता वो टैक्टिक्स। एक तो ये कि उनके मसले क्या है, क्या करना है, किस तरह करना है, वो तो अपनी बात, लेकिन टैक्टिकल भी होना चाहिए मजदूर लीडर को अपने आपस में अलग बैठ के सोचने के क्या क्या तकलीफ होगी। उसमें जो श्रेष्ठ आदमी है पहले उसको पुसाओ अपने साथ, ये तरीका। इसमें जब हम कामयाब हुए तो फैजुल्ला इधर बैठा जो साथी हमारे साथ है, लेकिन फैजुल्ला उधर जंग में हमारे साथ था, लेफ्टिनेंट हम लोग था। तो इनसे ये पूछें कि जब वो वापस हम आए तो लोग जिस वक्त से रेहान गया और फिर हम गए, उस वक्त तक लोग बदल नहीं गए। लोग अगर आपके साथ बदल हो गए, सिपाही आपके साथ जो है वो बदल हो गए, तो आपकी आप समझे शिकस्त है। लेकिन आप ये बात करते चले, उसने मुझे एक महसूस हुआ जो आज मैं आपसे वो बात करता हूँ जो मैंने समझा और किधर मैंने बात नहीं की, कि पहला मौका है मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो उधर मैंने ये महसूस किया कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो एक तो ट्रेड यूनियन का लीडर की पोजीशन ये होती है, तो जब यूनियन में अपने दफ्तर में या मिल में बात करता है तो तकलीफ करता है, फेडरेशन में जाता है तो भी वो सुनने वाले होते हैं, मुशावरत नहीं होती है। मजदूर को एक लेक्चर देते हैं जिस तरह मौलवी लेक्चर देता है, जिस तरह टीचर लेक्चर देता है, लेकिन जो मिल के अंदर जो हमारे हालात है उसमें घर पे जब गए आपने अलग बात की, इंटेलिजेंस का आदमी नहीं है, तो इसने हमें ये बताया कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या है और वर्कर्स मूवमेंट क्या है। ट्रेड यूनियन का आप दायरा छोटा है, ट्रेड यूनियन का दायरा छोटा है, एक मिल में है, दूसरा मिल वाले चले जाते हैं सीधे, लेकिन फैजुल्ला और हम साथ थे तो फैजुल्ला ने यकीनन ऐसा हमसे किया होगा कि भाई आज रात को इधर सोएंगे, आज रात को इधर सोएंगे, किधर किधर तुम मैं हो तो जेब में हमारे को एक रुपया है या आठ आने हैं, और उस गरीब के पास भी वो किसी मुलाजमत नहीं है उसके पास भी आठ आने हैं, बारह आने हैं, मैं कभी दो रुपया हम लोग के पास होते ही नहीं थे, ईमानदारी की बात है। फिर फैजुल्ला ने एक दो जगह ऐसा मुझे लेके गया कि जिधर बात आ जाए ईमानदारी की बात है, प्याज काटा मिर्ची और धनिया और हम लोग ने पत्थर पे उसको पीस के और नान दिया, उन्होंने दोनों खाने खाया, ऐसी भी वक्त था। ये वक्त ने हमको ऐसा किया कि मैं काफी हाउस में नहीं, डिस्कशन में नहीं, फेडरेशन है फेडरेशन से अगर बाहर बैठ के मैंने जब काम किया तो कराची गैस का विभिन्न वो बातें करता हूँ जो मेरे तजर्बे की है। कराची गैस के या फेडरेशन में बैठे बात करते हैं तो मैंने बाकायदा महसूस किया और ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि लेबर लीडर होता था, एक बड़ा लीडर होता था, जो मजदूर आए अपने तकलीफ हो उसके जो आए चार्जशीट वगैरह ये वो, तो उससे वो बिल्कुल लेबर लीडर सेठ या साहब या मैनेजर की तरह बात करता था।
जल्दी करो, बात करो, क्या हुआ, हराम ये गलत है, ऐसा करके तो वो सर मजदूर आपके साथ उधर फैक्ट्री यूनियन में बंधा हुआ होता था, लेकिन लीडर को पसंद नहीं करता था, लीडर को पसंद नहीं करता था, वो उसके साथ होता, वो भाई चेक चार्जशीट का जवाब है, चार्जशीट का लेते हैं, एक आपसे इजाजत करके बात करो, एक आदमी था अबू बकर, तो फिर पास और बहुत गरीब आदमी और मिस्कीन आदमी, उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसके पास मजदूर आता है कि यार ये हमारा हमको लेटर दिया ये है, तो नाज करना, वो कह देता अपना खुदा को बुला, वो तुमको बचाए, हम जो बोलते हैं वो नहीं मानते, बुलाओ अपने खुदा को, गरीब आदमी है वो, लालच वाला नहीं, डरने वाला नहीं, करना हमने अबू बकर तुम सर अबू बकर का नाम ले दो, मैं वजाहत करता हूँ कि मजदूर से वो जहनी तौर पर तो मजदूर खुद मजदूर, लेकिन बुरा अपना खुदा होना है ऐसा कर, तो खुदा के किस्म जब मजदूर आता था आंखें लाल छत क्या वो फंस जाता था खुदा ने और अबू बकर ने ईमान से, इसलिए पहला मेरे जहन में आया कि उस्मान लेबर लीडर नहीं बनना है, लेबर का साथी बनना है, ताकि वो गुस्से में आए तो गुस्से में आता है परवाह नहीं, लेकिन बात करे उसके साथ हुई, और एक मुसीबत थी कि जिधर जाओ लेबर जो ट्रेड यूनियन की मूवमेंट है उसमें आपको वो बंद करते रहते हैं, वो मजदूर भी जिसको शऊर नहीं है, वो जो ग्रुपबंदी तो होती है ना वो एक आपको बंद करते रहते हैं, हालात उसको ऐसा करते हैं कि एक ग्रुप हो जाता है, ट्रेड यूनियन नाकाम होती है, इधर से मैंने समझा ट्रेड यूनियन नाकाम होती है, और वर्कर की बात यह है कि उधर वो तंदूर वाला भी वर्कर है, सब्जी मंडी में जो काम करता है वो वर्कर है, होटल में जो काम करता है वो वर्कर है, मुझे एक मौका मिला दोस्तों कि मैं वर्कर मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को जब समझ गया तो वो था कि एक एक डेरे में जाता हूँ उधर पांच आदमी काम करते हैं, यहाँ छह आदमी ज्यादा से ज्यादा छह आदमी मेरे मतलब होते हैं, छह आदमी उधर है मेरे यूनियन मतलब जरकर रखो रखो या मोवर रखो आप अधिकार रखो या कोई और अलजमत थी ना अलजमत का मजदूर, मगर मैं जब उसके साथ जाता हूँ अलजमत वाले के पास तो अलजमत वाला एक है या वलीका वाला एक है या जबकर का एक है, चार मजदूर और हैं, तो फिर क्या हुआ कि मैं पांच मजदूर के मजदूरों से बात करता हूँ और हर मजदूर अलग अलग, और मेरी बात जेबकन वाले के पास या वलीका मजदूर वाले के पास तो जाती है, लेकिन बात हमारी छह मजदूर छह यूनियन में मिलता है, ये है वर्कर मूवमेंट। वर्कर मूवमेंट में जब तक कि हम वर्कर मूवमेंट करके नहीं काम करेंगे, यदि मजदूर बस्ती में काम नहीं करेंगे तो उसका असर पूरे समाज पे नहीं जाएगा, जो समाज में ट्रेड यूनियन में जाएगा तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि इधर एक माहौल था 1972 वाला माहौल जो है 1972 में ये शहर कराची था, लोग आए अच्छे मजदूरों को के लिए हमदर्दी करते थे, जहनी तौर पे मजदूर फलसफे के लोग बात करते थे, उन्होंने ये देखा कि पूरा माहौल जो है वो वर्कर का माहौल है, यानी कराची वर्किंग क्लास मेजॉरिटी है, ये
पायल सिंह जो लोग आए उन्होंने यहाँ जो मतलब मुश्ताक निर्मल था एक हमारे हमारा दोस्त, वो अच्छी पकड़ कर देता था, वो कहता था कि यार उस्मान ये तुम्हारा मजदूरों का मसला हमारे पास वो गोर्धन दास मार्केट में कपड़े के हाँ कपड़े के वो भी आप लोगों की बात करते हैं, उस्मान बलोची बात नहीं करते, मजदूरों का क्या है उसकी ये बात करते हैं। तो ये है कि वो माहौल आपको बनाना है, जिस वक्त आपके ऊपर अटैक होता है तो वो तो आपको मजदूर करके मारता है, लेकिन आपका हमदर्द वर्कर मूवमेंट की वजह से बढ़ेगा। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझें कि कच्ची आबादी में हम जाएं, कच्ची आबादी में बिल्कुल ही है, लेकिन कच्ची आबादी वाला आपके साथ उस वक्त आपकी बात मानेगा जब वो देखेगा कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, वरना वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट होता है। आप उधर और कुछ नहीं कि लेकिन सिर्फ एक स्कूल की बात करके स्कूल आप कुछ भी करो स्कूल बच्चों को स्कूल पढ़ाए, उधर से आप पहले वो बातें करें जिस तरह आस्ते आस्ते इधर चले जाए, और उसमें जैसे आप जाएंगे स्कूल में मैंने जैसा देखा है मेरा तजर्बा है स्कूल में बच्चे की बात करेंगे ना कुछ और बात नहीं करो सिर्फ उसकी, तो पहली बात यह है कि वो लड़की होगी या लड़का होगी पहले उसकी माँ या खाला बाप नहीं पहले उसकी वालदेन उसमें से बहन उसकी या खाला उसकी वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगी, माहौल आप इस तरह से बनाएंगे तो वो माहौल नहीं बनेगा तो कामयाब नहीं होगा। ये तजर्बे है मेरे तो मैं इस तरह काम किया। मैं खास बात जो करना है मुझे वो मैं उधर भी करता था और अभी आपके सामने करता हूँ, तो ये कि कराची के हम बोलते हैं कराची जबरदस्त हाँ जबरदस्त था, क्योंकि वर्किंग क्लास था वो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री इधर लियारी ये वर्किंग क्लास था, लियारी में कभी उधर बहुत हमारी रिश्तेदारी है, पठान भी रहते हैं तो बलोच भी रहते हैं सिंधी ये अपने आपस में बिल्कुल रिश्तेदारियाँ हैं, मैं उसकी मिसाल हूँ हम लोग इसका अच्छी है, मेघवार है, मारवाड़ी है, ये एक इधर ये सब वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास की वजह से ये सब पूरा असर इसका मजदूरों का होता था, लालच नहीं होती थी। तब अब मुझे याद नहीं पड़ता शायद आप दोस्तों में से ऐसा हो, ट्राम जब चलती थी अगर जैसा किसी को अगर थोड़ा हाथ पैर लग जाए तो इधर पानी 10 दफा उधर माफ करना, बैठा माफ करना, उठ के जाने वाला माफ करना, वही अखबार था आज मोटरसाइकिल वाला आपको ढस करके मारता है और कहता है अंधे हो वो बूढ़े हैं उस तरह हो जाओ, यानी आप देखिए कि अखलाक ये समाज टूट रहा है, हम अखलाक की जो बात करें ये समाज टूट रहा है। 72 में मुझे यकीन है कि ये नहीं है, ये मसला नहीं, अभी मैं आया हूँ अभी उधर से जो आया 660 हो गया और अभी कितना बलोच बड़ा 960 हो गया मेरे दिन में, तो ये गए मैं मुसीबत में इस दरिया को वापस जान बोला अब उसे कहूँ कि तुमने उधर ही 26,000 रुपये ठीक है। आप देखें कि किस तरह माशरा टूट रहा है, हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ी बात यह है, पहले इतना इल्म नहीं था, अली खान के ज़माने में गुस्सा था इल्म नहीं था लेकिन इत्तेहाद था, आज हर आदमी सुधरते हैं, हम ये फैसला हमारे साथ है, हमारे ये मजदूर हमारे हमारे यार हैं हमारे साथ, मैंने इससे कह भाई भूख लगी है इनके साथ मैं बैठा हूँ उसमें होटल में इधर में चाय मंगाई है, मैं भूखा हूँ और उसको बोला चाय लाओ भी चाय, तो हमने बोला कि उसके इससे मैं बात करूँ फलाना ये वो तो चाय का वो
वो नाम लेके जा रहा है उस तरफ, हमने पकड़ा इस जैसा नाम, हमने बोले जो चाहे और लाओ, उनके सामने चाय रोटी खाते खिलाई, चाय रोटी खाते थे। और ईमानदारी की बात है कि खुशहाल जबरदस्त अल्लाह, ये गुर्बत थी, अब गुर्बत नहीं है, इल्म है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, रोड पक्के हैं, पता नहीं कौन से वो सुपर हाईवे वगैरह हैं, लेकिन हम में दूरी पैदा हो गई। इस दूरी को कैसे पहली पहली बात मैंने जो की वो ये कि इंडिया का जो मजदूर इधर आया कराची के मजदूर से, जो कच्छ से इंडिया से जो मजदूर आया, अहमदाबाद से जो मजदूर आया, उर्दू स्पीकिंग आया जब, बिल्कुल मैं इसको पूरा मेरा ईमान है कि मैं जो समझता हूँ आपके सामने रखूँ, 1947 में मुल्क बना, 48 कायदे आज़म गया सितंबर में, 49, 50, 51 मजदूर खामोश रहा। मसले की बात नहीं थी, 51 से बाद लियाकत के बाद मेरे साथ से बात सुनी थी, बल क्या है पहले पहले ड्राम वालों ने हड़ताल दी है ना, जब ड्राम वालों ने हड़ताल दी फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में कराची ने या नैब के साथ जो लोग थे या बंगाल वाले थे उन्होंने जब अपना रंग दिखाया, मसले की बात पे आता हूँ, और अयूब खान, अयूब खान का एडमिनिस्ट्रेशन वो जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठा था, उसने ये सोचा कि ये लोग जो हैं जो उर्दू स्पीकिंग हैं खास कर जो इंडिया से आए, इंडिया से आदमी वो भी आए थे जो मजदूर थे, जो बिल्कुल शक्तों के थे, और वो भी आए जो बेईमानी में, बदमाशी में, हीरे की प्रॉपर्टी के इस झगड़ों में थे, उनको कुछ नहीं कहा। और पहले पहले उर्दू मजदूर को, उर्दू बोलने वाले मजदूर को मारा, इसको मार के बिल्कुल निकाला। और वो मजदूर मेरी नजरों के सामने, मेरा तजर्बा ये है कि उर्दू मजदूर को ऐसी मार पड़ी जो निशान गोलियों में तो हैं, लेकिन ये कि उर्दू बोलने वाला मजदूर सीधा सीधा पान की दुकान या परचून की दुकान लगाने लगा और उधर से उधर निकाला, यहाँ तीन जान चलो बेरोजगारी है उधर चलो नौकरी, ऐसा ना इधर अभी हुआ चलो दुबई उधर चलो कराची, खूबसूरत इलाके से उनको निकाला इधर लाके रखा। 63 में उर्दू के मजदूरों को मारा, 64, 65, 66, 63 की जंग में ये निजाम नंगा हो गया जंग में, और 67 में जो मजदूर को पुख्तून ख्वा से जो मजदूर आया था उसका जो अपना तजर्बा था, अब जो पंजाब के प्लेन नहीं ऊपर के इलाके से जब मजदूर आया उसने ये किया, तो मैंने उस वक्त जब आया शायद उसको याद होगा या नहीं मैं सुना, तो एक आदमी जमील नाम था उसका, मैंने बोला जमील वो तुम ऐसे पजामा हो वो जो छुपका हुआ होता वो पहनो, अचकन वाला वो पहनो और वो टोपी पहनो और चलो पठानकाली में तुम्हारा दो उधर तकरीर करा दो, कि मजदूर की तकरीर हो तो उर्दू मजदूर में और पठान मजदूर में फर्क नहीं है। ये कोशिश आपका जो सोच समझ के हमने कि इस तरह आदमी को लाए, और आप अनवर बैठे हैं, एक ज़माना ऐसा भी था कि मजदूर बैठा होता था अपने मिल एरिया गेट पे बैठा है, हड़ताल किया है, और जो दूसरा मजदूर है वो टिफिन लेके जा रहा है हमारे सामने, टिफिन वाला दे, टिफिन वाला दे, उससे नफरत है हमारे पास नहीं आता। तो मैंने बोला तुम तो भाई इधर डेरा करके बैठा है, आखिर वो रात को जो है वो बेचारा टिफिन में लेके जाता है, इससे नफरत नहीं करो, ये और हम आप हैं। और 68 की जो तहरीक है उसमें
पठान पंजाबी और उर्दू बोलने वाला मजदूर अलग अलग नहीं था, बिल्कुल एक दूसरे के साथ था। लीडर का काम यह है या राजपुर का काम यह है या जो सियासी तौर पर वो देखिए नई जो जिस जमात में मैं काम करता हूँ उसका इत्तेहाद कैसा, उसमें डरना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन नहीं हो। आप सीधा सीधा कहें कि भाई आपके इत्तेहाद की जमानत ये है कि एक क्रिश्चियन मजदूर वो और एक मुसलमान मजदूर ये सब एक साथ चले, तो हमको अगर मेरा नाम हुआ है तो सिर्फ ये थोड़ी सी बात तो मेरा वालिद है तो उसमें था मणिपुर में और लियारी क्वार्टर में है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मजाक करे या एक दूसरे का इख्तलाफ करे लेकिन हम साथ रहे। मजदूरों में लियारी क्वार्टर के मजदूरों में या कराची के मजदूरों में सिर्फ हमेशा झगड़ा ये होता था कि डियरनेस अलाउंस महंगाई अलाउंस मिले, और जो सेलर्स की हड़ताल हुई जब जहाज वालों की हड़ताल हुई उसमें अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई हुई कराची कलकत्ता बम्बई उसका असर हम भी आया कराची के मजदूरों पे और जो बाहर से मजदूर आए उनके ऊपर। कराची में मजदूर तहरीक आम कराची का बलोच ने नहीं की थी, ऑर्गेनाइज तरीके से ये नहीं की थी, ये हमको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए है ना। जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे बहुत बड़ा बड़ा वो देखा है, हमने हालात देखे हैं उसमें हमेशा उन्होंने अलग लोगों को किया। आखिर की फिर मैं बात करता हूँ, मुझे बात करना अच्छी मिल गई और बहुत सही बात है कि आप बहुत गए थे। एक है रूपदास खान कॉलोनी आपके मोहल्ले में है, रूपदास खान एक रूपदास खान कॉलोनी, दूसरा है आपका ये कयूमाबाद है, कयूमाबाद कयूमाबाद खान कयूम ने बनवाया। रोहिदास कानूनी पठान इतने पीछे हैं लेकिन रोहिदास कानूनी वो कल ये पापा शरदर का कब्रिस्तान और वो पठान जो है उधर है वो रोहिदास खान कमिश्नर था, मैं कमिश्नर था मैं सिर्फ ये बात के लिए मैं कहता हूँ वो कयूम खान था मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग और इस्लाम और फलाना था और रोहिदास खान कमिश्नर था वो किया लेकिन उधर बिजली पानी वगैरह ये नहीं था और मजदूरों ने 1972 के जंग वाला मजदूर है उसने ये जो अभी मैं आप बात कर रहे थे कि बलोची ने वो बात किया, बलोची में मैंने उसकी इज्जत रखी, मैंने जब वो मैंने उसको कहा भी ये बार बार तुम क्या है तुमको कोई शुगर की बीमारी है क्या, वो बलोची में मैंने बात किया शुगर की तुम्हारी बीमारी बार बार तुम आता जाता है तो वो बलोच वो था चाय बनाने वालों मेरे काम था एक किलो का मजदूरों को दरगाह होकर बैठा है ये सोचता है जाओ क्या तो उनसे बात करता है ये उनसे बात करता है समझा, तो उसको माफ करना नैब के लोगों ने बाकायदे मजीद है एक जो पंजाब का रहने वाला गरीब आदमी हो उसको बोला कि तुम तो ये बात करो कि उस्मान बलोच में मैं भी मजीद बलोच हूँ भाई बलोच है तो हमारे सामने है भाई भाई और मजदूर भी है तो मैं कहता हूँ कि ये बात फिर मैं बताऊँगा कि क्या हुआ उस्मान बलोच ने और कबूल ने अपने आपस में बलोची में क्या बात की उसको कहा गया था उसको कहा गया था वही आखिरी में उस पर बात करता हूँ कि उसको ये कहा गया था पठान कॉलोनी फ्रंट कॉलोनी सिर्फ नहीं लेकिन पूरी भवानी चाली ये वो फकीर आबाद हैदराबाद वगैरह सब में मजदूरों ने अपनी ताकत की वजह से ये रेगुलराइज कराया। वो इसलिए कि मैं जब मजदूरों की बात करता था तो मेरे ये जहन था और मैं समझ गया था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और उस जमाने के अखबार देखो लोग नहीं लिखते हैं कि जिसकी यूनियन चीफ ये जो कौन सी थे जापान वाला की यूनियन
जहाँ गोली चली थी सत्ता में गोली चली है, उस लीडर ने अभी मैं दूसरी बात नहीं करता हूँ, बहुत गलती हो जाएगी। उस लीडर ने उनके रात को हमारी मीटिंग हुई, मैं और करामत गए कि भाई हम कहते हैं कि कोई मदद करो, उन्होंने मदद तो नहीं की। और जो उसका लीडर था उसने उस वक्त जब तकरीर की, हम कहते हैं उधर लोग हमको इधर काट रहे हैं, हमको मार रहे हैं, नीचे से वहाँ को खींच रहे हैं, मैं हिम्मत करके खड़ा हूँ तो ये वो करूँगा। और वो हमको उधर से नीचे से मार रहे हैं, वो साहब क्या करते हैं, मैं वार्निंग देता हूँ कि तुम हमारा एक मजदूर मारोगे हम तुम्हारे दो सिपाही मारेंगे, अखबार में लिखा हुआ है। दूसरा दिन जो आया है उसमें अखबार में लिखा हुआ है, और ज़्यादा बात ठीक नहीं है। हमको निकाला उधर से, मैंने कहा मैं जाता हूँ, कदम तुमसे थोड़ा दूर हो गया था, मैंने कहा देखो मैं जाता हूँ, मैं हमारे खिलाफ है, पीपुल पार्टी हमारे खिलाफ है, जमात इस्लामी हमारे खिलाफ है, तो कोई अयूब खान की जो निज़ाम वाले हैं, ब्रिटिश निज़ाम वाले, वो मेरे खिलाफ है। हमने जो कुछ किया वो उस्मान ने नहीं किया, ये सब मजदूरों ने किया है। हम ना मैं जाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि उस्मान ने और ये बहुत झगड़ा हो गया। मैंने कहा जैसे ये मजदूर हम लोग हम हटेंगे ना, ये इलाका बिल्कुल मुल्लों मौलवियों का होगा, ये सब मिल के तुम लोग ये कर रहे हैं भाई, है ना, वो हम कहते आए बिल्कुल बेला कहते आए। तो ऐसा मजदूर की अभी भी मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, इस उम्र में भी मेरी 86 साल में है, इस उम्र में भी मैं वायु सैन हूँ। थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने, नवे बताई उन्होंने अपनी नवे बताई, आपने थोड़ी बढ़ा दी, नहीं नहीं ये तो मुझे छोटा है, नवे बता रही हूँ, 86, 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 86
और सीधी सीधी बात के हाथ लगता है। मॉडरेटर जो है वो सीट से सीधे रखिए, हमारे अंदर रखा है जिसको 20-25 मिनट जो है हम उसको उसको ओपन करेंगे, अगर वो ज़्यादा टाइम है तो कमरे में भेज दें। अभी ये है कि मकानी दोस्त करना चाहते हैं तो रखें, पर जो भी जबरदस्त सवाल पूरा किए हैं जो भी है इस तरह से उन्होंने कहा है जो पहले जो बेटी के हवाले से सर खाना साहब ने कुछ डाल रखा है कि वो इस लीडर का वो बता रहे हैं कि वो पश्तून लीडर था, वो जब ये मजदूर पे गोली चली मजदूर शहीद हुए तो वो उन्होंने आगे तकरीर की थी कि ये पश्तून का जो है वो कत्ल हुआ है शहीद हुए हैं, कह रहे हैं कि वो जो पश्तून मजदूर थे वो खड़े होकर उन्होंने सफाई दे दिया, उसने कहा कि पश्तून शहीद नहीं और मजदूर शहीद हुए। और ये जो सब की जो कैफी थी है जो इस तरह की वो तस्व जो है नहीं थी ये तो बाद में जा रहे हैं उसको इस तरह पढ़ाया गया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान की असल कहानी जिसमें कॉमरेड का भी इंटरव्यू है, उस्मान का भी है, कनी साथमा का भी है, तो हम लोग ये कनी साथमा का इंटरव्यू लेने के लिए तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि वो जो है गुजरा वाले के लिए उससे पहले हमें कोई पता नहीं था। अख्तर साहब की जब किताब छापी तो हमें पता चला कि अख्तर साहब जेलम के हैं, मतलब ये इस तरह की जो है वो तस्वीर दी नहीं पड़ी। तो मैं मतलब रमजान से गुजारिश करूँगा कि वो सर जो है वो अपनी बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त गुजर गया है इसलिए मैं बहुत मुख्तसर, एक तो बहुत कदर की नज़र से देखता हूँ उस्मान बलोच को, फैजुल्ला को, इनकी मेरी मुलाकात कतर में कराची सेंट्रल जेल में थी हुई थी, हम बेरिक नंबर 22 में, ये बेरिक नंबर 23 में,
दोनों गरीबों का आता एक ही था, लेकिन दोनों में बड़ा नजरियाती फर्क था जो अभी तक किसी हद तक मौजूद है। अब हम एक साथ हैं, दोनों बहुत मार खा चुके हैं, लेकिन वो फर्क अभी तक मौजूद है। वो मुख्तसर मैं ये कहता हूँ कि हम लोग नेशनल ऑरेंज पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, ये चीन नवाज थे, हम रूस नवाज थे, लेकिन दोनों का आसमान जमीन का फर्क था। हम सियासी अमल में तो हमेशा यानी वोट का हक हासिल करना, अनीस मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में नेब का किरदार होना और अयूब खान को सियासी शिकस्त देना, इस सब में हम लोग ने एक अपना किरदार अदा किया, इन दोस्तों ने अपना एक इनकलाबी किरदार अदा किया। उस्मान भरोच के बाद ठीक है, मजदूर तेरी अलग चीज़ है, ट्रेड यूनियन तेरी अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को तो उपरान चाहते हैं कि अलग अलग हो, डिवाइड हर चीज की तो उपरान चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो दोनों चीज़ों को, नबी अहमद के साथ ट्रेड यूनियन में भी थे और डेरों में हम भी जाते थे, मजदूर डेरों में। उस दौर में सबसे अहम चीज़ जो थी वो पिश्तून मजदूरों के डेरे थे, जहाँ रोटी मुफ्त मिल जाती थी, वो डेरे में मुश्तरका कम्यून थे, मुश्तरका खाना पकता था, तो ये एक आसानी भी थी। लेकिन ये बात भी सही है कि मजदूर तरीक एक और चीज़ है जो ट्रेड यूनियन से बड़ी चीज़ है, लेकिन मुतजाद नहीं है। इसी तरह मेरी नज़र में ट्रेड यूनियन मजदूर तरीक से मुतजाद नहीं है, अगर होती तो हुकूमत इस तरह से फना ना कर दी, हुकूमत ने राजद के अदारों ने क्यों ट्रेड यूनियन को ख़त्म किया, क्यों सियासी पार्टियों को ख़त्म किया, क्या हालत है सियासी पार्टियों की, ट्रेड यूनियनों की, सब आपके सामने कि इस रियासत को जो शिकस्त हुई है वो मजदूर तहरीक ने तो दिए दिए, लेकिन सियासी मैदान में शिकस्त हुई है वो मेरी नज़र में ज़्यादा बड़ी शिकस्त है। अयूब खान को शिकस्त एक तो रोडों रास्तों के हुई मजदूरों ने दी, लेकिन दूसरा उसको बोले बैलेट पेपर में शिकस्त हुई, जिसके बाद वो और दरिंदगी में आ गए। इसी तरह ये जो बंगाल का वाकया है, मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी है, या पूरा मुल्क के अंदर खुद अभी तक कायम तो कोई चीज़ नहीं देखा, या तो उसको अमल ही नहीं होती ना, लेकिन आज भी हुकूमत अमल नहीं करने के लिए तैयार है, फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि बलोच इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है, एजेंट है, ये इतने लोगों को कितने मजदूरों को मार दिया, भाई तुम लोग ने तुम्हारी छत पे नश्तर मेडिकल कॉलेज की छत पे से 500 लोगों की लाशें मिली, वो किसकी लाशें, वही गुमशुदा बलोचों की या उनके साथ और भी होंगे, कोई पश्तून भी होंगे, दूसरे भी होंगे, लेकिन कानून की हुक्मरानी वो नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ न कुछ लोगों ने लड़ लड़ के जो कानून हासिल किया जिसका अमल नहीं हो रहा, जो आइन हासिल किया उसकी कुछ तो कदर होगी, तो हम उसकी कदर करते थे। ये दोस्त अब भी कहते हैं कि पीटीएम की तरह ना इलेक्शन लड़ेंगे, इंकलाब सीधा है, ये फर्क अब तक मौजूद है, लेकिन हम फिर भी साथ काम करते हैं अभी और एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सबको कहना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये फर्क भी कभी न कभी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ हम इनकी तरफ चले जाएंगे, कभी उस्मान भरोच इलेक्शन लड़ लेगा तो दोनों एक एक पेज पे आ सकते हैं, क्योंकि लड़ सक गए तो किसी न किसी की चीट चीट छीन सकते हैं, नहीं लड़ा तो सिर्फ नारे मारते रहेंगे और वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सवाल आप लोगों से रखना चाह रही हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ी सी अगर बात हो तो मैं समझती हूँ दिलचस्प रहेगा और थोड़ा सा। एक तो ये कि मेरे सामने जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि उस जमाने की जो आप जिसको आप कह रहे हैं मजदूर तहरीक, नॉट ट्रेड यूनियन मजदूर, उस जमाने की जो मजदूर तहरीक थी और जैसे लिखा जो ट्रेड यूनियन तहरीक थी, वो आप लोगों की वजह से बहुत सियासी हो गए और सियासी से ये मुराद ये कि इनकलाबी हो गए, हाँ लेफ्ट विंग तहरीक बन गई थी,
है ना। तो ये सबसे दिलचस्प बात है मेरे लिए, और मुझे दिलचस्पी है इस बात में कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा सा इस पे बात करें कि ये कैसे आप लोग इस तरह आए, क्योंकि और ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स भी थी उस वक्त भी थी। कनीस बाग्बा मिसाल के तौर पे कई दफा उनका नाम है, शी वाज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, वो एक प्योर ट्रेड यूनियनिस्ट थी, तो और उसका काम वो बस उसी हद तक अपना काम रखती थी ना ट्रेड यूनियन। मगर आप लोगों का काम इतना अहम और आज तक अहम है और हमेशा रहेगा तारीख में, क्योंकि बिकेम अ पॉलिटिकल एक्शन, जो जिसका जिक्र थोड़ा सा फैजल ने भी किया और मैंने उनको पुश किया कि बात करें कि आप कैसे सियासी हुए, कैसे आप लेफ्ट की सोच की तरफ आए और उसकी उसके तहत आप लोगों ने कैसे मजदूरों को मुनाजिर किया। मैं समझती हूँ सबसे दिलचस्प चीज 1970s के जो मूवमेंट है पूरी उसमें ये क्योंकि जो आपने बात की ना उस्मान के शहर कराची एक तरह से मजदूरों का शहर कहलाता था ना, तो वो इसी वजह से हुआ ना कि वो एक सियासी माहौल क्रिएट किया गया कि हुकूक की बात सिर्फ ये नहीं कि वर्कर्स राइट्स बट द राइट्स ऑफ द ओप्रेस्ड उस तरह से बन गए, है ना, और वो उसको एक बहुत वसी चीज में ले गया। तो एक चीज इस पर थोड़ी सी अगर आप दोनों को कुछ कमेंट्स करना चाहें। दूसरी चीज ये कि उस वक्त जैसे प्रेजेंट ने बनी का टेक्सटाइल का जिक्र किया, अपने जेबपुर का थे, इन सारी मिल्स में बड़ी तादाद में औरतें भी काम करती थी और वो वहाँ से आती थी, वो शेर शाह कॉलोनी वगैरह जो रियाली के रास्ते में और वो वहाँ रहती थी, वहाँ आती थी, नौकरियाँ करती थी, अपने घर जाती थी, घर के काम करती, मतलब फैक्ट्री में पूरा काम करती थी जो कि 9 to 5 वाला, घर जाती थी घर का काम करती थी, फिर अपने शौहरों की मार भी खाती थी जो शौहर घर में बैठते थे और काम नहीं करते थे। ये मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि आप लोगों की वजह से मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो और फिर ये बात ही अहम है जिसका जिक्र आना चाहिए कि जब मुत्तहिदा मजदूर लेबर फेडरेशन बनी तो उसके अंदर फिर आप लोगों ने औरतों को भी कोशिश की कि आप ये वर्कर्स मूवमेंट में ट्रेड यूनियन मूवमेंट में औरतों का हिस्सा हो। तो इस पे भी थोड़ी सी अगर बातचीत हो जाए तो मैं समझती हूँ कि आप चाहे तो वही बैठ के दोनों बात करें। नहीं, 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 महसूस ये हो रहा है कि 1972 में जो ट्रेड यूनियन के लोग थे वो पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज हुए। हाँ, 1967 में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, पार्टी ने फैसला किया कि फैसला हमारी पार्टी में पार्टी के लोग सब काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग गणेश महात्मा ने नेशनल वाइड पार्टी का इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन हुआ जो गरीबाबाद के बीच में पुल बना हुआ है उसके बाद उस जमाने में तो पुल भी नहीं होता था, सड़क भी चौड़ी थी, वहाँ पर TMC का सैकड़ों मजदूर थे रात को जमा हुआ और इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में वो पोलिटिकल इलेक्शन ट्रेड यूनियन की बात सुनी गणेश महात्मा नेशनल वाइड पार्टी की एक लीडर थे। उसके फौरी बाद भाषणी सब आए थे और लालू पेट पर जो भी ये कब्रिस्तान बना दिया उसको, उस मैदान में भाषणी साहब ने तकरीर की और वो सारी जो स्ट्रेंथ थी वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर उसके अंदर शामिल थी। कौन सी साल की बात कर रहे हैं? 1966 के दरमियान की बात। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी मजदूरों के अंदर जो है वो पहले से मौजूद थी, क्योंकि इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी जैसी तैसी तिरछी, क्योंकि 1947 की तोड़फोड़ में जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कांग्रेस मूवमेंट थी, जितनी भी तहरीकें थी, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, उसको तहस नहस करके रख दिया और लोगों ने जो है वो पाकिस्तान भर में
मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने बुनियादों पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी तश्कील देने की कोशिश की, जो कि कोई पूरी एक मुकम्मल कम्युनिस्ट पार्टी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद कोई कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग जो है जो पहले से मौजूद थे रह गए वहाँ पर, या पाकिस्तान से बाहर से आए और हिंदुस्तान से आए और पाकिस्तान में रहते हो गए, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ग्रुप को बनाने की कोशिश की जो अब तक नहीं बन सकी है कांग्रेस पार्टी। मुख्तलिफ अफाक ने बहुत मारे खाई हम कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये कि वो अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन कब बनती है और बनेगी यकीन उसका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब बाद में हम यहाँ से कह रहा हूँ कि ये जो तासुर है कि 72 की मूवमेंट के बाद जो है वो फिर डिसाइड होता है, ख्याल है ये जरा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं उन तमाम लोगों के कुर्बानियों को, उन तमाम लोगों की जो है वो तहरीकों को, उन तमाम लोगों के कामों को जिसका मलोर ने उससे पहले भी तस्करा किया और आज भी किया कि वो मजदूर जो कराची में रहता था क्या लड़ी का मजदूर है वो क्रिटिकल नहीं था? हमने जिंदगी गुजारी है लड़ाई में, हम उनके खानदानों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी माओ के साथ हम नाचे हैं, उनकी शादियों में हम उनके साथ ठहरे हैं, सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के हमने ट्यूशन पढ़ाई है बच्चों को। वो जो मजदूर था वो कोर्ट से आता था और बैठ के शाम को नहा धो के बैठ के फिर गए वो अपने सोशल वर्क करता था, पोलिटिकल वर्क करता था, दाल बस किधर चला था और आपका मतलब बहुत सारे नाम है जिनको हम ले सकते हैं। तो ये कहना कि पोलिटिसाइज जो है मजदूर तहरीक 1972 के बाद हुई है, अल्लाह ताला ये ऐसा जुलूम है, उस्मान ज़्यादा जानता है, उस्मान ने जो बात की पहली बार के बस पेपर में जो बात करता था वो इस बात का सबूत है कि वो 72 की बात नहीं कर, हाँ हो सके वो 72 की बात नहीं कर। मजदूर तहरीक में जिस तरह से रिट डाली गई, मतलब ये कि उर्दू बोलने वाला जो मजदूर यहाँ पे था उसको निकालो, मुझे याद है मैं 10 या 15 दिन तक ये खतीब की जो सुबह से लेकर रात तक तकरीरें हम लोग करते थे। उसमें जो कच्ची मजदूर था वो मौजूद था, जो बलोच मजदूर था वो मौजूद था, खान मदीन की यूनियन होती थी, खान मदीन की यूनियन कोर्ट पे जो है इनका और खतीब की यूनियन के दरमियान में तफावत था। फाइनली गुफ्तगू होती रही, बात चलती रही और जब आखिरी दिन युवा जो बंदी बटेगी बाकड़ा होटल, जब हम बाकड़ा होटल पर गए तो उन्होंने खान मदीन जो कि बाहर से आया उसने जो है वो हमारे आदमी को मारा, हमारे दोस्तों ने हमको बिल्डिंग के अंदर जबरदस्ती डाला क्योंकि हम तो जज्बाती लोग, हम 10-12 दिन से तकलीरें कर रहे थे। तो मैं कह ये रहा हूँ कि ये कहना कि जो है वो पोलिटिकल सोच या एक्टिविटी जो है वो किसी खास लम्बे में पैदा हो गई थी, ये बात जो है वो तारीख के तौर पर सही नहीं होगी। पाकिस्तान के बनने से कबल भी यहाँ पर पोलिटिकल तहरीक मौजूद थी, वर्कर्स के अंदर भी मौजूद थी, यहाँ पर ट्रेडर्स बड़ी बड़ी ट्रेडर्स थी और वो अपने हिस्से का काम करती थी, जैसे दूसरे का डरने में था, डायरी में था, कोर्ट में था, है ना, ये शायद और आपको क्या कहते हैं इसको सब्जी मंडी के अंदर काम करने वाला मजदूर था जो कि मरीज से और गड्ढा से जो है ऊँट के ऊपर, ऊँट गाड़ी में नहीं होता था, ऊँट के ऊपर सौदा नहीं आता था। और इस तरह ये कहना कि मजदूर पहले ही सियासी में कन्वर्ट किए इस वक्त ये जरा मुझे बात नहीं है। मजदूर तहरीक जब भी काम करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का अच्छा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने ट्रेडर्स बनवाई है और कम्युनिस्ट पार्टी बगैर ट्रेडर्स बगैर पोलिटिकल सोच के समाज को तब्दील करना है, इंकलाब को लेकर आना है और हुक्मरानी जो है वो अवाम की होगी और उसके लिए ग्रेट यूनियन जो है जो कि एक मतफा था कि प्रोलेटेरियट जो है वो उसको लीड करेगा, तो वो प्रोलेटेरियट जो है 1972 में नहीं बना, वो प्रोलेटेरियट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो चल रहा था, गदर पार्टी के वक्त से जो है सारा चलता है, तो इस तरह से जो है वो गड़बड़ ना करें उसको इसी तरह से रहने दें। ये बात रही है कि 1972 में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम थे, बड़ी मेहनत की, हमारे सामने दो आदमी बैठे हुए बाहर कितनी इन्होंने जेलें काटी है यार, जेल तो मैंने भी काटी लेकिन जिस तरह हमारे खाई है उस तरह हमने मार नहीं खाई,
किसी ने कहा कि तुम लोग चाइनीज हो ना, तुमको बाहर करो, जो रशियन है उनको बहुत बाहर करो। ऐसा है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज जो है वो चाइना की सपोर्ट करती थी, जब उनसे सपोर्ट लेती थी तो हम लोगों को मार कम पड़ती थी, जो रशियन है उनको मार ज़्यादा पड़ जाती थी। तो ये एक पोलिटिकल मोमेंट थी हमेशा से, उस पोलिटिकल मोमेंट ने ट्रेड यूनियन बनाए, उस पोलिटिकल मोमेंट ने जो है वो औरतों के हकूक के लिए गए तरीके बनाए, औरतों के हकूक के लिए कांग्रेस पार्टी की पहले से होते हैं, उस ट्रेड उस पोलिटिकल मूवमेंट ने जो है पॉलिमर 30% मुसनफिन बनाए, जो दानिश्वरों को इकट्ठा करके काम करती थी। 68 की मूवमेंट में जो है वो क्या वो डीपोलिटिसाइज 68 में, तो वही मैं मौजूद था, एक एक कमरे में मौजूद था, एक एक कमरे में मौजूद था, उसमें जो है वो सारी सियासी बात थी भाई, कौन सी सिर्फ तलबा की बात थी, तो ऐसी बात नहीं है। ये अपने मूवमेंट है पूरी दुनिया की, तहरीक है और इसमें जो है हमेशा सियासी नुक्ता नजर रहा है। जो बातें की मैं एक बार वो बढ़ाता हूँ, पाकिस्तान से पहले भी 11 ने बड़ा काम किया, उसकी बड़ी यूनिवर्सिटी कराई है कराची में, और सबसे बड़ी बात है शब्बे मकरानी का सेकंड यूनिट था वो गेट से पहले, और तुम्हारा ताबे रसूल की पहली यूनिट था ये लियारी में, पहले भी थे, यानी कि बाद में हुए एक मूवमेंट था, वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, अंकल जो वहाँ मशहूर है रहीम चाचा, उसकी यूनिवर्सिटी दर्जियों का बड़ी काम है, इस पर काम करने की जरूरत है। हमने जितने लोग जो पढ़े हैं इसकी इंटरव्यू वगैरह पढ़े, जिस तरह करामत की किताब में बहुत सी चीज़ों का हवाला नहीं है, इसी तरह लाल खान की किताब में बहुत चीज़ों का हवाला नहीं है, इस पर बकायदा पी जी करने की जरूरत है। क्या मुझे तरीके को बिल्कुल सही है, सर ने ये कुछ दिन पहले बीबीसी की बातें भी छप रहा है, जो शोले कलम चाचा भी बनाई है सारा, दोस्तों को पढ़ना चाहिए। अगर हमने जब बात शुरू की थी, हमने कहा था कि 72 के अंदर जो मूवमेंट थी उसमें मजदूर चार्ज थे, तो चार्ज इसीलिए थे, उसके पीछे 68-69 की तहरीक थी, 63 की तहरीक थी, वो पहली लेबर पॉलिसी जो है 53 में आ गई थी, उसके बाद तो सारी जगह जबरदस्ती हुई और वर्कर्स में जा रहा है, जो चीज़ें मिली हैं जो सोशल सिक्योरिटी मिली है, जो ये जो लेबर पॉलिसी यहाँ आई है, ये सारे वर्कर्स की जदोजहद का नतीजा है, कोई उन्होंने खराब नहीं की है सर की, तो हमारा यूथ से एक सवाल हो जाए कि भाई रोज जो है वो इसको कर दें, भगवान बैठे में जा रहे हैं। मुझे कहा गया तो उस्मान बलोच 72 की यूनियन, तो उसके उस एंगल से बात कर रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट अगर बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट ख्याल, उसके एंगल से अगर आप बात करें तो ट्रेड यूनियन का जो सबसे बड़ा इधर फैक्टर है वो नारायण दास बीचर को अगर आप निकाल दें तो फिर ट्रेड यूनियन नहीं है। सही बात है, जो रणछोड़ टाइम में लखपति होटल से उर्दू कॉलेज की तरफ जो रास्ता जाता है, उर्दू यूनिवर्सिटी तो गई जाते वक्त आपके सीधे आपके जितने भी उस वक्त के घर थे वो नारायण दास बीचर के वालिद की प्रॉपर्टी थी, और नारायण दास बीचर उस जमाने में पूरे मजदूरों का, सिर्फ कोर्ट वगैरह नहीं, पूरे इधर एक हड्डी मिल थी उसमें तो उसका भी, और आपका तो ट्रांसपोर्ट में पूरे ट्रांसपोर्ट में आपके डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में पूरे मजदूर लोग KMC के जो मैतर है, जो जिसको हम मैतर को बंदी कहते हैं भाई, उनकी यूनियन थी, नर्सों की यूनियन थी, नारायण दास बीचर का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन उसने ट्रेड यूनियन कर दी और बिल्डिंग बेचता गया और ट्रेड यूनियन वाला आखिर में वो ऐसा था कि ये जो लियाकतअली का मुक्के का निशान है, ये मुक्के का निशान नारायण दास बीचर का था, ये निशान नारायण दास बीचर का था, लेकिन उसके बाद
उस जैसे ही लाल बख्श रंज और यूसुफ नस्रद्दीन और अकबर बारकज़ई ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने काम किया था। इससे पहले तहरीक तो जो होती थी उसको आपको समझना चाहिए कि इधर पीर पागारों की एक मूवमेंट थी, लाल रुमाल की तमाहिर का मूवमेंट थी। उस वक्त मुसलमान का इंटरनेशनल एक लेवल बनाने की बात थी, वो बात उस वक्त थी। लेकिन चूँकि बलोच और नहीं इधर से जो सरकारी इलाके के बलोच ये नहीं, मकरान के जो लोग आए और उन्होंने कोर्ट पे काम करना शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो कोर्ट का जब काम होना शुरू किया, जिसका मैंने इधर ये बात किया कि पहली मरतबा मजदूरों के जहन में जो कम्युनिज्म की जो बात आई और वो कम्युनिज्म की उस एंगल से बात कि बरतानिया के खिलाफ हम और जंग करेंगे, वो एक माहौल ऐसा था कि पूरा मौलवी उसका आपका एक कम्युनिस्ट पार्टी में मौलवी था भी और दिल्ली वगैरह में या लखनऊ में एक माहौल वो बना हुआ था मेरे जहन पे। ये इधर एक बात सिर्फ ये है कि मजदूर जो थे वो टॉलरेंट थे। आपने जो बात की कि कोर्ट में एक तो खतीब था, दूसरा वो था खान मदीन था, लेकिन लेकिन उससे पहले मजदूर उसका आपका लीडर जो था वो हम बोलते थे चाचा शेर मोहम्मद, चाचा शेर मोहम्मद उसका वो था और बिल्कुल नमाज वमाज पढ़ता था और बिल्कुल उसको पता था कि सूबो गंत ज्ञान चंदानी वगैरह ये कोर्ट के वर्करों में कम्युनिस्ट हैं। लेकिन एक सिर्फ बात ये थी कि नारा जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कम्युनिस्ट नुक्ते नज़र से काम करना तो शुरू किया था हमारे ज़माने में या तुफैल अब्बास के ज़माने में। उस ज़माने में मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, तुफैल अब्बास के ज़माने में पहले पहले मजदूर मजदूर भाई भाई और साम्राज्य की बात हुई, ये हम लोगों में। लेकिन हम उसको हमारे ज़माना जब आया उस वक्त सीधा सीधा अटैक हम करते थे नौकरशाही मुर्दाबाद, मजदूर मजदूर भाई का भाई के साथ नौकरशाही मुर्दाबाद कर देते थे, सरमाएदारी मुर्दाबाद। ये बात इसको लाल बख्श रंज का काम मजदूरों में नहीं था, लेकिन जो लियारी का माहौल जिसने बनाया था और लियारी का बहुत असर पड़ता था वो ये है कि मजदूरों की बस्ती जो थी वही उसमें ख्यालात तो वो थे लेकिन नारों की बात नहीं की। आजकल नारे नहीं दिए जाते, आजकल नारे नहीं दिए जाते। जब तक कि आप देखें कि ये जो सेटअप था उसमें नौकरशाही मुर्दाबाद सरमाएदारी मुर्दाबाद ये जब नारे थे ये हमेशा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक लगाम था, उसको चैलेंज था। वो आस्ते आस्ते नारा अब के आपके माहौल में ख़त्म हो गया है। जहाँ जो तो हमारी कमजोरियाँ हैं वो ये बाकी तो मतलब इत्तेहाद था, इख्तलाफ इस तरह नहीं था जिस तरह रमजान बात कर रहा है कि वो इख्तलाफ हुआ थे नहीं था। क्योंकि इससे पहले जितने भी मजदूर लीडर जाते थे जेल में, वो जेल में जैसे गए सेफ्टी एक्ट वगैरह था, आज के लोग जब जाते थे तो वो आम मजदूरों से अलग बिल्कुल होते थे। ये पहली मरतबा जैसा मैं गया तो उसमें तकरीबन वो जो LLC के मजदूर हम लोग गए ना, तो मेरे साथ थे उस वक्त 19 आदमी। जब 19 आदमी आप समझे के जब हम गए और उससे बोला कि ये आप सफाई करें, तो हम लोग ने उधर स्टैंड लिया कि नहीं सफाई नहीं करेंगे, कितनी भी लड़ाई हो जाए हम लोग जो भी लड़ाई हो जितनी भी मार खाएंगे लेकिन हम सफाई नहीं करेंगे। जब उसने हम पे दूसरे दिन भी वो किया जरा सख्ती थी कि पहले पहले में जब गया उसके बाद पहली बात ये थी
कि लियारी के जितने वो थे कैदी थे चर्च में इसमें उसमें आए तो पहले मजदूर लीडर बिल्कुल अलग हो जाता था। जब मैं गया तो इनको प्या बस मेरे सामने भी किया कि मजदूरों के साथ हमारा अरे उस लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मजदूरों ने भाई दोस्त साहब तुम आए हो हमने जाके क्या है तो हमने कहा कि नहीं। और फिर उधर हमने लड़ाई की इस बात पे कि मजदूरों से मैं उधर तो उसके गाने बजाने में इसमें उसमें जो शाम को होता था हम लोग करते थे वो तो छोड़ो लेकिन इधर उनके साथ था। लेकिन मैनेजमेंट से मैंने कहा सुप्रिंटेंडेंट से कि हमको अलग डायरेक्ट होना चाहिए। वो जब आप लोग आए थे तो उसे डायरेक्ट अलग थी 22-23 ये हमने नहीं दी थी इन्हें मजदूरों की बुनियाद पर। उस वक्त इससे पहले दाऊद वाले आए थे उसमें रियाज था अजीजुल हसन था या स्टूडेंट थे ये तो वो आम कैदियों से रहते थे लेकिन हमारी लड़ाई के बाद हुई हमारा है ना तो हम लोग माहौल इसलिए बना नारे हमने छोड़ दिए माफ करना नारे हमने छोड़ दिए नारे से लोगों को पता चलता है कि ये शनाख्त क्या है। शनाख्त हम लोग ने अपनी छुपा दी माफ करना सीमा ने बताया कि ये किस तरह जो आप लेफ्ट की बात कर रहे कम्युनिज्म की बात कर रहे लेफ्ट की एक वो इससे पहले हो सकती है जब तक ये जब तक मार्क्सिज्म मैंने नहीं पढ़ा था मुझे कोई पता नहीं था मैंने जब मैंने मार्क्सिज्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि मजदूर क्या है किसान क्या है और समझदार और जमींदार क्या है ये पता मुझे चला। उससे पहले तो मैं एक मजदूर था और वो ट्रेन में भी जो मुतालबात थे उसके लिए मैं काम करता था तो मतलब ये कि अगर मैं मजदूर तहरीक में ना होता ना हो जाता मैंने तो कुछ सीखा है ये मजदूर तहरीक से सीखा मैंने किसी भी सियासी पार्टी में जब मैं इधर था कराची में मैं किसी सियासी पार्टी में काम नहीं किया यहाँ तक कि डॉक्टर एजाज वजीर एक उसका क्या काम नाम था वो इसके सेंडलों का वो काम नाम था तनवीर तनवीर हाँ तनवीर नहीं वो जिसका कुमार जिसका बादशाही रोड पे जिसका सेंडलों का कारखाना था वो नवाज भट्ट वो था यानी शकून का और तो अभी और जमीर शेख उनका जो और देखकर ये तीनों में इनों को मैं जानता था वो मेरे पास आए मैं डेरे में रहता था जैसे गाँव में थे उन्होंने बाकायदा हमको बताया कि हम तुम्हें स्टील मिल में लगा देंगे बशर्त ये कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ। मैंने आराम से उनसे कहा मैं तो कुछ कर रहा हूँ
ये तुम्हारे पार्टी का काम नहीं है, तो इसमें और उसमें फर्क क्या? तुमने बहुत कोशिश किया मगर मैंने मशरूम कबूल नहीं किया और रेस्क्यू में ना तुमने लगाया और ना नहीं किया, तो मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं था, मैंने तुम्हें कुछ सीखा सिर्फ और सिर्फ बंदूक देने को सीखा, जेलों में सीखा, मैंने जब लिखना पढ़ना सीखा वो भी जेल में सीखा। जेल में हमको कागज तो देते नहीं थे, तो मैं सिगरेट के पैकेट जमा करके उसके ऊपर लिखता था, सिगरेट के पैकेट होंगे और उसी जैसे मैंने पहले बताया तो पढ़ना तो इस हद तक कि एक दिन मैं पढ़ रात को मैं पढ़ रहा था और रात को 3 बजे याद होगा या नहीं, ये जो बूटा उसने देखा वो तो मैं पढ़ रहा था, ये बूटा और किताब को दीवार हो गया कि पागल हो जाओगे तो तुम क्या करते हो, और मैं माँ किताब पढ़ता हूँ। देखिए उसी से मैंने जो मैंने कुछ सिखाई जेलों में सीखा किसी से ऐसी पार्टी में काम नहीं एक तरफ मैं आजाद करता हूँ, बाबर खान वालों के साथ जब मैं था तो हम लोग मीटिंग करते थे, तो एक दफा जो कुछ हुआ है बिजली पानी वगैरह उससे पहले जब हम मीटिंग करते थे वो मीटिंग ऐसी थी कि मिल के हालात पे बात कर रही थी, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो एक हम लोग मजदूर भाई था वो देर से आया, लेकिन तुमको पता है जब मैं बैठ थक गया हूँ समझो मैं बैठा जब तक वो दूसरे में आए तो घर से आवाज आई कि ये अपनी बीवी को मार रहा है और मार रहा है वो मरशम मरशम वो बोल रही है मर गई तो उसको बोलता चुप शा खामोश जाओ, मार भी रहा है और चुप शा भी। तो जब आए सब तो मैंने दिल में सोचा आज ये पठानों से बात हमारी या तो हमको मारेंगे या तो हमारे हमारी बात मान लेंगे, तो वो आया तो मैंने बोला भाई तुम आया तो ये चटाई चटाई जो ये जैसे जैसा हर पठान दूसरे को बड़े को बोलेगा मामा, तो हमने बोले ये हमारी बहन क्या बोलती थी चपशा चपशा तुम बोला चपशा वो बड़सम कर ये क्या था, उसने बोला नहीं बोलो सब बात कर रहे हैं वो, मैंने बोला बात तो कर रहा हूँ ना सब बैठे हैं, मैंने बोला बात ये है कि आज मीटिंग नहीं हो बिल्कुल मीटिंग नहीं आएगी और चाय का गिलास तो पियो जाते हैं लोग, तो लोगों ने बोला क्यों, मैंने बोला बात यह है कि तुम पठान हो माफ करना मैंने कहा काठियावाड़ी सुपरवाइजर से उर्दू बोलने वाला कंगला टाइप का आदमी उधर उसे डरते हो और बस में जब आते हो तो तुमको कोई बैठने नहीं देता है या तुमको ऐसा करता है तो तुम उससे भी कंगल तक से भी नहीं डरते, ये हमारे बैठ को जो तुम मार रहा था कैसे सामने तुम बहादुर है
इसमें सबने बोला नहीं करना चाहिए, नहीं मैंने बोला नहीं बात नहीं, ये तो भी फैसला होना चाहिए कि ऐसी मीटिंग जिसमें बहन को बच्ची को उसने बोला भाई बच्ची में पानी गिर गया उसे मैं चाय कैसे बनाऊँ, तो उस पर उसको मार रहा था तभी जो वो मैदान में वो नल था ना उधर हमेशा झगड़ी दूर हो। तो मैंने बोला भाई आज से ये है कि हमको ये तसल्ली होनी चाहिए कि तुम बीवी को नहीं मारो, मौत की बात है चाय को हाँ बीवी को नहीं मारो, अगर ये बात करते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा तुम्हारा नहीं चल सकता, हम खाम खा पर तुम होंगे तुम पठान जबरदस्त 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 नहीं हो उच्चन को मारते भी हो और वो बोलते चुपचाप चुपचाप। उसके बाद ये फैसला होता है, उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई कोई भी नहीं मारेगा किसी को, ये बात है। मुझे थोड़ी सी बात कहनी है, ताली मुझे अनवर से बात करनी है। अनवर ने अभी बताया कि हमारे बहुत कष्टों के बहुत बुजुर्ग शायर हैं जिनकी साबिर नाम है जिनका, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और जिनके मतलब माशी हालात भी जो है बहुत बहुत दिगर हुए हैं और वो बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनको अस्पताल जाना ज़रूरी है, उनको बेड्स को मतलब पीठ पर उनके बिस्तर में पड़े पड़े होने की वजह से छाले हो गए, तो यहाँ ज़रा जरूर देखें इसके बाद हम लोग कौन उनके लिए क्या कर सकता है, अगर अस्पताल पहुँचाना है तो उसको देखा जा सकता है, कहीं एडमिशन करवाना है तो वो चीज़ देखी जा सकती है, या कोई जो है वो फंड उनके लिए किया जा सकता है तो उसके लिए। मेरा ख्याल है कि मौसम की वजह से हमने एक तो देर से शुरू किया था, एक तो उस्मान धमकियाँ बहुत है, हम तो उधर जा रहे हैं तुमने हमको बुलाया हम नहीं आए, पर तो मतलब ये कि उस्मान ने बोला 5 बजे नहीं रखो हमको फलानी जगह जाना है, तुम्हारी बदी के आलम से मीटिंग है, हमने कहा 6 बजे कर लो और 6 बजे कर लो तो 7 बजे तो खुद आए, तो इस वजह से हम सब जो है वो, लेकिन हम सब खुश हैं, मेरा ख्याल है कि हम सब खुश हैं, कोई हमें से उठ के नहीं गया है, एक साथ में कोशिश की थी मैडम का बैठ जाओ भाई उस्मान फिर मिले ना मिले अभी चला जाएगा अमरीका फिर बोलेगा मैं नहीं आता खैर ये हमारा तो उस्मान के साथ यही रिश्ता है यार और हम सब का यही रिश्ता है, उस्मान को हमेशा हमने इसी तरह से पाया कि बेदखल से बात की, वो वाली गाली जो अभी अभी इसने दी थोड़ी देर पहले टैक्सी में बैठी हो मैं जो दोहराता लेकिन ये गालियाँ देता बड़े बड़े लेकिन यार आज का दिन जो है वो मैं समझता हूँ बहुत दिनों बाद ग्रेट इंडियन मूवमेंट ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स और उसमें जो जिन लोगों का रहनुमाया ना करता जिन्होंने एक एक लम्हा एक एक डेरे में एक एक गली में एक एक फैक्ट्री में एक एक जेल में ये जो बात अभी कर रहे थे कि वो प्याज भाई हमको तो वो वक्त भी याद है कि प्याज के भी पैसे नहीं होते थे तो रोटी को डबल रोटी को पानी में डाल के उसको खा लेते थे, तहरीक ऐसे बनी है लोग यहाँ तक इस तरह से पहुँचे हैं, ये इल्म हमारे पास है ये इस तरह से है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का इल्म नहीं है वो इंतहा ज़रूरी है लेकिन ये जो इल्म है हमारे पास इस वजह से आज हमने इन दोस्तों को यहाँ पर बुलाया था, उसमें काफ़ी तादाद ऐसी है बड़े सारे मरहल जो गुजरे हैं और ये बात जो है वो हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए इसको, और मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये कोई एक ख़ास मरहले में नहीं शुरू होती है, ये तो जिस वक्त इंसान की मेहनत का इस्तेमाल शुरू हुआ है उस वक्त से जो है वो इंसान ने अपनी जद्दोजहद शुरू की है और वो सियासी हो गया पाकिस्तान में किस वक्त कहाँ कैसे हो गया, हिंदुस्तान में किस वक्त कहाँ कैसे हो गया, जर्मनी और यूरोप में कहाँ कैसे हो गया, ये दानिश्वर इस पर बात कर रहे हैं, हम उनसे सीखते हैं जानते हैं समझते हैं लेकिन इसको तो महदूम नहीं करना चाहिए, ये इंसानों की जद्दोजहद है, ये मजलूम इंसानों की जद्दोजहद है और इंतका जो है वो देखें हम सबको बुलाना जिस प्लेटफॉर्म से तमाम तरफ की पसंद सोच के तमाम लोग जो हैं वो बात कर सकते हैं तो बात को इसी तरह से रखा जाए कि वो सबके लिए किसी एक उसके लिए ना हो, मैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कि ये इंतका का
कहना चाहिए कि इंतजार है कि इतफाक जो है वो कंजन से कंधा मिलाते हैं, यहाँ दो बैठते हैं, हम उनको बुलाते हैं और हम उनके साथ जो है वो चलते हैं और चढ़ते हैं। दरख्वास्त है मेरी बास्तर की जो शैली है इसका एक पहलू लांडी वाला है, अक्टूबर वाला ने बहुत अच्छी तरह से एक तरफ का बताया। आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ। मैं बस मैं बोल रहा था ये सारी तेरी पीछे कैसे गई, टूटी कैसे, हमको इसके जरूर बात करनी चाहिए। एक सेकंड, ये बहुत जबरदस्त मौजू हो गया। अब आप ये बात करें कि हमारे यहाँ पर जो है वो मजदूर तहरीक जो है वो पीछे कैसे गई, रमजान ये बहुत अहम बात है। हमने चाहा था, हमने बात भी की थी इनसे अपने एजेंडे में शामिल था, लेकिन वही वाली बात है कि क्योंकि मौसम बहुत बुरा है शहर का, ये जो लोग आए हैं जिस तरह से आए ना यार, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके ऊपर कोई एक सीमा हम इसके ऊपर एक बात करते हैं, ये तो चले जाएंगे, तुम सब जाओगे। ये जो आपने बात सही थी ना, वो बिल्कुल आपकी बात सही थी, मेरा ये मतलब नहीं था कि पहले कुछ भी नहीं था, सबको पता वो बीड़ी 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 मजदूर वाला इतना बड़ा मूवमेंट था, असल नासिर को कौन भूल सकता है, मतलब ये सारी चीजें तो थी, बट बीच में इतना एक गैप आया था मजदूर मूवमेंट और वो फिर एकदम से दोबारा उठा, मतलब ये एंड दिस वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ और जैसे आपने रमजान साहब ने कहा साइड एरिया में बेसिकली तो इसी तरफ का ना। एक बार जितने भी लोग हमारे पीपल्स पार्टी में थे वो बैकआउट किए उधर से रिजाइन कर गए थे, तो वो भी एक पूरी एक भरपूर ताली उसको भी जो है नेगलेक्ट किया जा सकता है। मतलब ये तय हुआ कि हमने दोबारा बात करें और रमजान की जिम्मेदारी उसमें कल जो है वो नहीं मगर वो कल जो है वो अच्छा तो हुआ है ना कि कल मृतकों के हक में मिसिंग पर्सन के हवाले से संजीव बोलो पख्तून जो भी है और शिया उर्दू बोलने वाले जो भी मिसिंग पर्सन हैं उनका एक बहुत बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ था जिसमें हमारे सारे साथी जमा हुए थे, उसमें डॉक्टर रियाज अहमद जो कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं आज उनको गायब कर दिया गया था, 5 घंटे से वो गायब थे, हमारे कुछ दोस्त यहाँ से भी उतर गए FIR कटवाने के लिए बहादुराबाद थाने में, तो अभी खबर आई है कि वो आधे घंटे में छूट जाएंगे। ये एक बहुत अहम बात है।